So hello students, welcome to the first lecture of the chemistry class 9. यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं matters in our surrounding. ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप इसका introductory lecture देख के आए हैं, जिसमें मैंने chemistry के बारे में बात किया है कि class 9 में हमको पढ़ना क्या है, उसके definition के बारे में बात किया है और भी बहुत कुछ. ठीक है, अब यहाँ हम लोग mainly शुरुआत कर रहे हैं matter को define करने से लेके और उसके physical property के, physical nature के बारे में mainly हम लोग बात करने वाले हैं. तो देखिए, इससे पहले भी आप chemistry पढ़ चुके हैं, इसके बारे में मैंने बता चुका है, फिर भी हम लोग शुरू करते हैं मैटर को डिफाइन करने से. तो मैटर है क्या? तो देखिए, हमारे आसपास जितने चीज़ें हैं, ठीक है, वो चीज़ें चाहे आपका खाना से लेके आपके आपका टूथपेस्ट हो, आपका ब्रश हो, ठीक, आप खुद भी हो, आपका मोबाइल हो जिसमें आप ये देख रहे होंगे, वो सारा चीज़ जो है वो कुछ ना कुछ चीज़ों से बना हुआ है. ठीक है, तो इसी चीज़ को केमिस्ट्री में या साइंस वाले साइंटिस्ट जो है इसको नाम देते हैं मैटर. ठीक है, अब देखिए, हम बहुत सारे चीज़ को एनालाइज किया, हमारे आसपास जितने सारे चीज़ें हैं जिसका अभी मैंने कुछ का नाम भी लिया, टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, चाहे वो बलून है, या हम बात करें मोबाइल है हमारा, या बुक्स है, ठीक, जितना चीज़ है सबको साइंटिस्ट लोग एनालाइज किए, जैसे कि बताए कि ये मैटर है क्या. ये उन्होंने बोल दिया कि ये कुछ है जिसको हम लोग मैटर बोलेंगे, लेकिन इसका एक डिफिनीशन भी तो होना चाहिए. ठीक है, कि मैटर का डिफिनीशन क्या हो, कैसे हम लोग पहचानेंगे कोई चीज़ मैटर है या नहीं. तो बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, ठीक है, सबका रंग अलग अलग था, ठीक है, सबको सबका जगह छेकने का कैपेसिटी अलग अलग था, सबका वजन होता था, तो अलग अलग था, लेकिन दो चीज़ हर में कॉमन मिला. ठीक है, और वो दो चीज़ कौन था? एक था स्पेस जो वो ऑक्यूपाई करता था, ठीक है, और एक था उसके पास थोड़ा वजन था, यानी मास था. तो दो चीज़ था जो हर एक सब्सटेंस के पास था, ठीक है, जो हमारे आसपास है. तो उसी को ये लोग उसी की मदद से मैटर को डिफाइन किए. मैटर को कैसे डिफाइन किए? कि एनी सब्सटेंस या सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस है जिसके पास मास हो, दैट हैज मास एंड वॉल्यूम, जिसके पास मास और वॉल्यूम हो उसको हम लोग बोल देंगे कि वो मैटर है. अभी वॉल्यूम का मतलब समझते होंगे, हमारे हिसाब से वॉल्यूम मतलब होता है कितना स्पेस कोई चीज़ रख रहा है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना स्पेस लिया जा रहा है, इसी को हम लोग वॉल्यूम के नाम से जानते हैं. ठीक है, एक और प्रॉपर्टी देखी जाती है हर एक मैटर में, वो क्या है? तो वो प्रॉपर्टी देखी जाती है कि जो भी कोई मैटर है वो रेसिस्टेंस लगाता है, ठीक है, किसी दूसरे चीज़ पे. अभी ये रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है कोई चीज़ पे रोक लगाना. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई धक्का दे रहा है, तो उसके जवाब में आप भी उसको दूसरे की तरफ धकेलेंगे, या आपका शरीर जो है वो थोड़ी देर तक तो वहाँ खड़ा रहेगा. ठीक है, एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए जो लगाना पड़ेगा उस आदमी को आपको धकेलने के लिए. ये सारे मैटर में पाया जाता है, चाहे वो लकड़ी, अगर आसपास में अगर आपका लकड़ी पड़ा है उस पर देखे, या किसी दूसरे चीज़ पे. तो तीसरा प्रॉपर्टी भी आप बोल सकते हैं कि सब्सटेंस दैट हैज मास एंड वॉल्यूम एंड डिकॉजेज रेसिस्टेंस, और वो रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी भी रखते हैं, उन्हीं को मैटर कहा जाता है. अब मैटर के बारे में हम जब स्टडी करते हैं तो दो रूप से स्टडी करते हैं. एक उसका फिजिकल ओवरव्यू लेते हैं. फिजिकल ओवरव्यू का सिंपली मतलब है कि उसके आउटर प्रॉपर्टीज है, आउटर बाहर से देखते हैं उसका शेप, साइज, शेप और साइज के बारे में, उसके कलर के बारे में, ये सब ओवरव्यू लेते हैं. इसको बोला जाता है फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल नेचर. लेकिन जब हम उसके अंदर जाके वो क्या चीज़ सबसे बना हुआ है उसमें चेंज करते हैं, ठीक है, तो वो आता है केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल नेचर क्या है. तो ये हमारा चैप्टर जो है पूरी डेडिकेटेड है फिजिकल प्रॉपर्टी पे. ठीक है, फर्स्ट और सेकंड. थर्ड चैप्टर से हम लोग बात करेंगे केमिकल पे. तो अभी हम लोग बात करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. ठीक है, क्या बात करने वाले? इस चैप्टर का मेनली यही नाम ही है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. तो हमारे आसपास में बहुत सारे मैटर हैं और उन्हीं के बारे में अब थोड़ा सा जानने जा रहे हैं हम लोग. अब पहला चीज़ समझते हैं हम लोग कि क्या जो हमारे आसपास में मैटर है, क्या वो सिंगल है, ठीक है, या वो कुछ छोटे छोटे चीज़ों से बना हुआ है. तो इसका एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, एक छोटे से एग्जांपल, छोटे से ऑब्जेक्ट को लेके. ठीक है, आप एक मिरर ले लीजिए. अब मिरर एक मैटर है या नहीं? जी, मिरर जरूर एक मैटर है, क्योंकि उसके पास मास भी होता है और वो कुछ जगह भी छेकता है. आप उसको अगर पटक देंगे, वैसे ऐसा कीजिएगा नहीं तो मम्मी की चाटा भी लगेगी, आप उसको पटक देंगे अगर जमीन पर गिरा देंगे तो क्या होगा? तो वो टुकड़े टुकड़ों में टूट जाएगा. ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो टुकड़े टुकड़े से ही बना ही हुआ था. ठीक है, अगर वो सिंगल रहता, अगर वो सिंगल इतना बड़ा मिरर रहता तो उसको हम गिराते भी तो वो नहीं टूटता. लेकिन वो क्या हुआ, जब वो गिराया गया तो वो छोटे छोटे पीसों में टूट गया. मतलब क्या बोल सकते हैं, ये मिरर जो था ये लगभग इस सब चीज़ों से बना हुआ था. ठीक है, अब ये छोटे वाले को भी आप तोड़ेंगे तो और टूटते जाएगा.
मतलब हम बोल सकते हैं कि मिरर जो हमको दिख रहा था एक, वो रियली में सिंगल नहीं था, सिंगल आइडेंटिटी नहीं था उसका, वो एक कोई चीज़ नहीं था, इंडिविजुअल चीज़ नहीं था, वो छोटे छोटे चीज़ों से बना हुआ था। तो ये जो छोटे छोटे चीज़ें, और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, ठीक है, जैसे एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया है वो बोला हुआ है कि आप एक बीकर लीजिए, बीकर या आप कंटेनर कोई ले सकते हैं, उसमें आप चीनी गिरा दीजिए और चीनी घुलाइए, थोड़ी देर के बाद चीनी चला जाता है, ठीक है। तो ये जो चीनी चला गया कैसे चला गया, यानी वो टूट गया, वो भी पार्टिकल से बना हुआ था, जो चीनी था उसका घुला रहे थे, ये तो इतना बड़ा बड़ा था, ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि चीनी का पता ही नहीं है चीनी कहाँ है, क्यों, क्योंकि चीनी टूट गया, चीनी छोटे छोटे चीज जिससे बना हुआ था उसमें टूट गया, यानी यहाँ भी क्या पता चल रहा है कि चीनी भी, चीनी का छोटा छोटा जो पार्टिकल, छोटा छोटा जो दाना होता है वो भी छोटे छोटे कुछ चीज़ों से बना हुआ। ये जो छोटे छोटे पार्ट है किसी भी मैटर का, उनको बोला जाता है पार्टिकल्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स, ये इन्हीं को बोलते हैं पार्टिकल्स। तो पहला चीज़ हम लोग को यही पढ़ना है कि जो मैटर है वो सिंगल नहीं है, कोई भी मैटर जो हम अपने आसपास देख रहे हैं, यहाँ तक कि हम भी सिंगल नहीं है, हम भी बहुत सारी चीज़ों से बना हुआ है, बने हुए हैं, ठीक है, हम एक इंडिविजुअल कोई चीज़ नहीं है, हम बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट से बने हुए हैं, और उस छोटे छोटे पार्ट्स को अभी हम लोग नाम देंगे पार्टिकल्स। तो पहला चीज़ हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि मैटर जो है वो किस चीज़ से बना हुआ है, पार्टिकल्स है। तो फिजिकल नेचर में हम ये लोग यही देखने वाले हैं आउटर अपीयरेंस के बारे में। तो पहला चीज़ हम लोग यही पढ़ने वाले हैं क्या, कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर किससे बना हुआ है, पार्टिकल्स। इसको ऐसे भी बुक सब में लिखा रहता है, मैटर हैज पार्टिकुलेट नेचर, मैटर के पास कैसा नेचर है, पार्टिकुलेट, यानी पार्टिकल वाला, पार्टिकुलेट नेचर, पार्टिकल वाला नेचर होता है किसके पास, मैटर के पास, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम जान लिए, और इसका आप एक दो मैंने एग्जांपल भी दे दिए, ठीक है। अब बात आता है कि ये जो पार्टिकल है, ठीक है, ये जो पार्टिकल है उसके बारे में थोड़ा जानना, ये तो समझ गए कि मैटर जो बना है वो खुद किससे बना हुआ है, पार्टिकल से। अब अगर हम इस पार्टिकल के बारे में एक एक चीज़ जान ले, तो उसी का ओवरऑल, उसी का सम जो है वो उस किस में दिखेगा, वो उस पूरे मैटर में दिखेगा, ठीक है, उस मैटर में दिखेगा। जैसे आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ, अगर आप कोई सब्जी बना रहे हैं या खाना बना रहे हैं, उसमें आप अगर मसालों का ध्यान रखेंगे तो फाइनली, अगर मसालों का ध्यान रखेंगे, उनके क्वांटिटी का ध्यान रखेंगे, तो फाइनली जो आपका वेजिटेबल सब्जी तैयार होने वाला है वो अच्छा तैयार होने ही वाला है। वही चीज़ हम यहाँ करने वाले हैं कि जिस चीज़ से बना हुआ है मैटर, यानी कि पार्टिकल, अगर उस पार्टिकल के बारे में हम अच्छे से जान लें, ठीक है, अच्छा सा नॉलेज हो जाए हमको उस पार्टिकल के बारे में, तो हम क्या कर सकते हैं, उस मैटर के बारे में भी अच्छा नॉलेज रख सकते हैं। इसीलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं किस चीज़ के बारे में, तो पार्टिकल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का शुरुआत होता है कि जो पार्टिकल है उनके कैरेक्टरिस्टिक तो आप समझते होंगे, कैरेक्टरिस्टिक मतलब खासियत, फीचर, ठीक है। जैसे हम लोग का अगर खासियत पूछे तो क्या है, तो हम लोग एक ह्यूमन है, हम लोग का थिंकिंग पावर होता है, ठीक है, और जितने लिविंग के प्रॉपर्टी है, चाहे वो चलना हो, दौड़ना हो, ठीक है, खाना हो और दूसरे प्रोसेस करना हो, वो सब हम लोगों में है, तो वही हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो गया। पर अभी हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बारे में, उनकी क्या क्या खासियत है उनके बारे में पढ़ने वाला है, ठीक है। तो पहला सबसे आता है उनके साइज के बारे में, चूंकि हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग यही पढ़ते हैं, शेप, साइज, कलर, ये सब के बारे में। तो पहला आता है कि क्या, कितना छोटा है वो, ठीक है, जो ये जिस चीज़ से बना हुआ है, ये जो मिरर था या वो चीनी जो था वो चीज़ से बना हुआ है, वो कितना छोटा है। तो आप देखिए, मैंने इससे पहले जो बोला था एनसीईआरटी का एग्जांपल के हिसाब से, अगर आप एक कंटेनर में, एक बीकर में अगर आप चीनी घुला देते हैं, तो चीनी का खुद ही क्रिस्टल दाना जो होता है वो छोटा छोटा होता है, वो भी इतना छोटा हो जाता है कि चीनी के उस सॉल्यूशन में, वो जो आप शरबत या दूसरा चीज़ बनाए हो उसमें वो दिख नहीं रहा है। तो आप इसी से इमेजिन कीजिए कितना छोटा है, बहुत छोटा होता है, ठीक है। आपको एक और एक्सपेरिमेंट जो है वो उसे मैं बताता हूँ इस चीज़ के बारे में कि कितना छोटा है। तो पहला चीज़ हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। कितने छोटे, इतने छोटे कि आप खुले आँख से तो नहीं देख सकते, ठीक है, आपको बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए उन पार्टिकल को देखने के लिए। अब इसके लिए आपको बहुत अच्छा अच्छा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में भी और दूसरे बुक में भी। देखिए, इसके लिए आपको कुछ केमिकल्स के बारे में जानना होगा, ठीक है। इन केमिकल्स के बारे में जरूर हम लोग जब 3rd-4th चैप्टर में आएंगे वहाँ पे अच्छे से जानेंगे कि ये सब कहाँ से बना है, कैसे इसके फॉर्मूले बनते हैं, पर अभी तत्काल, ठीक है, हम लोग थोड़ा सा रखते हैं। एक पहला दो केमिकल के बारे में हम लोग जान सकते हैं, एक होता है जो हम लोग के एनसीईआरटी बुक में है, वो है KMnO4, ठीक है, KMnO4 है।
जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम पर मैंगनेट, पोटेशियम पर मैंगनेट। ये पोटेशियम पर मैंगनेट की खासियत क्या है? तो पोटेशियम पर मैंगनेट का खासियत है इसका कलर, ठीक है। इसका कैसा कलर होता है? तो इसका कलर थोड़ा सा पिंक होता है। कैसा कलर है इसका? पिंक कलर। इस पिंक कलर का हम लोग यूज क्या करने वाले हैं? तो देखिए, हम लोग थोड़ा सा अगर आप माइंड लगाए, अभी हम लोग बात किए कि कोई भी मैटर जो है वो किससे बना रहता है, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल से। अब अगर ये पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल है, एक दाना है, ठीक है, ये सॉलिड दाना के रूप में रहता है ये। तो अब अगर ये पोटेशियम परमैंगनेट का छोटा सा ये क्रिस्टल है, दाना है, तो ये जरूर किससे बना होगा? छोटे छोटे इस पार्टिकल से। अब इसमें कलर है, इस पूरे क्रिस्टल में कलर है, इसका सीधा सीधा मतलब हम लोग क्या समझते हैं? इस पार्टिकल में कलर होगा तभी ना, इस हर एक पार्टिकल में कलर होगा और फाइनली ये सब मिलके इसको बनाया है, इसीलिए ये पूरे दाने में क्या है? कलर है, यानी इनमें कलर होगा। तो वही प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम लोग यहाँ एक एक्सपेरिमेंट करने वाले। वो एक्सपेरिमेंट क्या है, आप लोग भी कर सकते हैं, सिंपली है। आप इसके जगह और भी दूसरे चीज़ लिख सकते हैं, जैसे दूसरा केमिकल एक होता है CuSO4, ठीक है, CuSO4, क्या नाम है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का भी आप यूज कर सकते हैं। इसकी क्या खासियत है? ये ब्लू कलर का होता है। और एक एक्सपेरिमेंट हम लोग करने वाले हैं डेटॉल के साथ, जो कि इजीली अवेलेबल होता है। ये छोटा छोटा पार्टिकल के पास कलर था, ठीक है। तो यही हम लोग करने वाले, क्या करने वाले हैं, आपका यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा होगा, उस फिगर में देखिए 100 ml का एक बीकर है, ठीक है। आपको NCERT का ही मैं दे रहा हूँ, जैसे कि आप समझ जाए, क्योंकि हर एक बच्चे के पास NCERT बुक रहता ही है। तो आपको एक 100 ml का एक बीकर दिख रहा होगा, उस 100 ml के बीकर के पास क्या है, उसमें हम लोग छोटा सा दाना जो है वो किसका रख दिए, पोटेशियम परमैंगनेट का। ये पोटेशियम परमैंगनेट का छोटा सा दाना रखने पे पूरा पानी आप लोग देख रहे होंगे दूसरे बीकर में क्या हो गया है, पिंक हो गया, ठीक है। अब इसमें से हम लोग एक टेस्ट ट्यूब की मदद से 10 ml, सिर्फ 10 ml ले रहे हैं, और उस 10 ml को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे बीकर में रख रहे हैं जिसमें 90 ml पहले पानी था, और 10 ml ये टेस्ट ट्यूब वाला पानी दे दिए, जिससे वो 100 ml पुर गया। अब आप देखेंगे कि वो दूसरा वाला बीकर जो है वो भी थोड़ा सा पिंक है, ठीक है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप एक मिनट वेट कर सकते हैं, आपको मैं ये सब समझाता हूँ। तीसरा बीकर जो आप देख रहे हैं, वो तीसरा बीकर कैसा दिख रहा है? तो तीसरे बीकर में हम फिर वही काम रिपीट किए, मतलब फिर दूसरे बीकर से 10 ml टेस्ट ट्यूब में निकाले और तीसरे बीकर में रख दिया। अब ये भी थोड़ा सा पिंकिश है, और चौथे में भी यही रिपीट किए हैं, तो वो भी पिंक है। मतलब समझिए कि हम छोटा सा एक क्रिस्टल लिए थे किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का, और वो छोटा सा पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल 400 ml पानी लगभग पिंक कर दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसमें इतने सारे पार्टिकल थे, समझिए, हर एक पार्टिकल के पास कलर था, ये तो आप समझते हैं, हर एक पार्टिकल के पास कलर था, और कलर ही किस कलर था किस के कारण, क्योंकि हर पार्टिकल के पास कलर था। अब 400 ml, ठीक है, पानी में सिर्फ एक क्रिस्टल, ठीक है, सिर्फ एक दाना किस चीज़ का, पोटेशियम परमैंगनेट का हम लोग डाले, उससे 400 ml पानी पिंक हो गया। इमेजिन कर सकते हैं आप, अगर थोड़ा सा भी अगर फील कर रहे होंगे तो आप सोच लेंगे कि अरे कितना छोटा छोटा दाना होगा जो 400 ml पानी में घुल गया, ठीक है, पहले में भी घुल गया, दूसरे में घुल गया, तीसरे में घुल गया, चौथे में घुल गया, मतलब इतना छोटा छोटा है। आप इसको इमेजिन करके थोड़ा सा देखिए, ठीक है, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल होता है इसका, ठीक है। तो चलिए, तो आप थोड़ा सा ये एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। ऐसा ही कॉपर सल्फेट का भी है, ये ब्लू कलर का होता है, बस फर्क इतना ही है, तो कॉपर सल्फेट का है। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो इजीली अवेलेबल हो सकता है हम लोग में, वो उस एक्सपेरिमेंट के बारे में, वो है डेटॉल का। डेटॉल का, डेटॉल तो हर के डेटॉल का जो लिक्विड होता है उसके बारे में, वो तो सभी के घर में लगभग अवेलेबल होता ही है। तो ये जो डेटॉल का लिक्विड है, इसमें आप थोड़ा सा स्मेल, थोड़ा सा फार्मास्यूटिकल स्मेल, यानी दवाई जैसा स्मेल रहता है, सबको पता है। तो आप इसमें क्या करने वाले हैं, आप करने वाले ये हैं कि आप जिस तरह से पहला एक्सपेरिमेंट था वैसे ही एक 100 ml का क्या करने वाले हैं, बीकर लेने वाले हैं, उसमें 100 ml पानी देने वाले हैं। 100 ml पानी के साथ छोटे तीन या चार बूंद, ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं, डेटॉल का जो लिक्विड है उसको डालने वाले हैं इसमें। अब इस लिक्विड में आप इमेजिन कीजिए, हम लोग क्या दिए हैं, 2 से 3 ड्रॉप क्या दिए हैं, डेटॉल का लिक्विड। अब इसमें स्मेल रहता है, गंध रहता है, ये गंध रहता है किसी कारण है, ये गंध रहता है क्योंकि ये जिस पार्टिकल से बना हुआ है उसमें गंध होगा, तभी ना ओवरऑल सारे पार्टिकल मिलके इसको बनाए हैं, तो जो जिस पार्टिकल से ये बना है उसमें स्मेल होगा, इसीलिए इसमें भी स्मेल है, यानी उस छोटे छोटे पार्टिकल में स्मेल है, ठीक है, समझे। तो अब इसको हम लोग क्या कर दिए, इसमें रख दिए। तो ये आप देखेंगे कि पूरा जो
ये जब मिल गया तो पूरे बीकर में वो स्मेल जो डेटॉल का स्मेल था वो आ जाएगा। हाँ थोड़ा सा कम जरूर हो जाएगा लेकिन आ जाएगा, ठीक है। यानी बस ये तीन ड्रॉप में इतना पार्टिकल था, इतना पार्टिकल था, इतने लाखों पार्टिकल थे जो सब पूरे पानी को क्या कर दिए, पूरे पानी में इधर उधर मिक्स हो गए और मिक्स हो गए पूरे पानी में वो स्मेल ला दिए। ओके अब बात करते हैं, अगेन वही करने वाले हम, एक फिर से टेस्ट ट्यूब लेने वाले, इसमें 10 ml 10 ml थोड़ा कम ज़्यादा चलेगा उससे कोई जरूरी नहीं, 10 ml हम लोग लेंगे फिर इसमें से, और एक दूसरे बीकर जिसमें 90 ml पानी था उसमें ये 10 ml डाल देंगे। अब इसमें देखेंगे कि आप इसमें भी थोड़ा सा स्मेल रहेगा, आप ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें से आप 10 ml निकाल देंगे, 10 ml निकाल के अगले वाले बीकर में रख देंगे। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि 3-4 बीकर तक, यानी फिर से 300-400 ml बीकर तक इसका स्मेल रहेगा, कितने का, सिर्फ 3 ड्रॉप का। आप इमेजिन कर सकते हैं, आप फील कर सकते हैं अब यहाँ से ये कितने छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ। ये मैं आपको पहला ही पार्टिकल बता रहा हूँ, पहला ही पार्टिकल का खासियत बता रहा हूँ, वो क्या है कि मैटर के जो पार्टिकल है वो बहुत छोटे हो, बहुत छोटे होते हैं। इनका इसका इमेजिन आप ये दो एक्सपेरिमेंट से कर सकते हैं। ओके अब ये जब थोड़ा सा बात कर लिए, उसके बाद बात कर लेते हैं दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में। और दूसरा प्रॉपर्टी जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, वो ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्या बात है कि पार्टिकल्स of matter have space between them। matter के particles जो होते हैं उनके बीच में क्या होता है, space। अब बोलेंगे इसको कैसे दिखाएंगे, तो ये आप ऊपर का जो experiment किया ना उसी से आप समझ सकते हैं, ठीक है। या first वाला जो हम आप बात किए थे कि particle से बना हुआ, उसमें उससे भी आप ये समझ सकते हैं। आप एक beaker लें, ठीक है, उस beaker में 100 ml तक पानी रखें एक mark करके, ठीक है रख दिए। अब उसमें 50 ml लगभग 50 ग्राम या 50 ग्राम से ज़्यादा भी, ठीक है, आप 2-3 चम्मच आप इसमें चीनी डाल के देख ले, ठीक है, चीनी डाल दिए, ठीक है। आप क्या किए 50 या उससे प्लस ग्राम क्या किए इसमें, चीनी डाल दिए, ठीक है, क्या डालें, शुगर, इसको मिला दीजिए, ठीक है। मिलाने के बाद आप देखेंगे ये 100 ml का 100 ml ही है, पर ऐसा होना नहीं चाहिए था। आप इमेजिन कीजिए कि आप जब कुछ सामान डाले हैं इसमें, 50 ml और डाले हैं, 50 ग्राम डाले हैं, तो उसकी वजह से 100 ml से थोड़ा ऊपर जाना चाहिए ना, ठीक है, लेकिन वो नहीं गया है। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों नहीं, ऊपर क्यों नहीं गया, क्योंकि आप ये इमेजिन कर सकते हैं ये जो शुगर था, ये शुगर पार्टिकल से बना हुआ था, क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं मैटर पार्टिकल से बना होता है और शुगर एक मैटर ही है। वो इनके बीच में छोटा छोटा गैप था, वाटर के बीच में छोटा छोटा गैप था, उस गैप में जाके, उस स्पेस में जाके क्या हो गया, इंटर कर गया, जिसके कारण पहले से स्पेस था ही और उस स्पेस को जाके ये भर दिया, तो इसलिए 100 ml का 100 ml ही रह गया। आप इसे इमेजिन कर सकते हैं कि क्या है, क्या प्रॉपर्टी है, इससे क्या खुल रहा है कि मैटर जो है, ये पानी भी एक मैटर था, मैटर जो कि पार्टिकल से बना हुआ था, तो उस पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस, जिस स्पेस में ये शुगर यहाँ घुल गया। आप चीनी की जगह नमक का भी यूज कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी इसे क्लासीफाई हो जाती है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन दैम। ये एक पार्टिकल है पानी का, ये एक पार्टिकल है पानी का, और इसके बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस में आके क्या हो गया, शुगर चला गया। तो ये दूसरा है प्रॉपर्टी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन दैम। ये पार्टिकल के बारे में और आगे तो जानेंगे ही, अभी इतना समझ लीजिए ये पार्टिकल को हम लोग मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। आगे हम जानेंगे मॉलिक्यूल्स क्या है, एटम्स क्या है, ग्रुप ऑफ एटम को ही मॉलिक्यूल कहते हैं, एटम क्या है उसी बारे में जानेंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए पार्टिकल को मॉलिक्यूल। अब देखिए हमारे पास दो शब्द आते हैं इंग्लिश के शब्द, है एक है इंटर, एक है इंट्रा। इंट्रा का यूज तब होता है जब किसी चीज के खुद के अंदर हो, जैसे मैं अगर इंट्रा स्पोर्ट्स बोलूँ तो स्पोर्ट्स एक किसी स्कूल के अंदर, ठीक है, आप नाम सुने होंगे अगर ओलंपिक वगैरह देखते होंगे, तो इंट्रामुलर ओलंपिक एक होता है जो कि एक ग्राउंड के अंदर ही होता है, ठीक है, टूर्नामेंट होता है, सॉरी ओलंपिक नहीं, टूर्नामेंट्स होता है। तो वो टूर्नामेंट्स जो है वो इंट्रामुरल टूर्नामेंट वो एक स्कूल ही करवाता है, स्कूल के अंदर। लेकिन जब इंटर हो गया, आप इंटर स्कूल सुने होंगे, इंट्रा स्कूल सुने होंगे, अगर टूर्नामेंट नहीं सुने हैं तो। इंटर स्कूल और इंट्रा स्कूल में क्या होता है, तो इंटर स्कूल में दो या दो से ज़्यादा स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन इंट्रा स्कूल जब होता है उसमें एक ही स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो इंटर का मतलब क्या है, टू और मोर, और ये खुद ही सिंगल ही होता है अपने आप में, ठीक है। तो मैं अगर बात करूँ इंटर स्कूल, तो समझ गए दो स्कूल के बीच में, अगर मैं बात करूँ इंटर मॉलिक्यूलर, आप इसका क्या मतलब निकाल सकते हैं,
ठीक है, मेरे हिसाब से आप निकाल सकते हैं। आप जब इंटर स्कूल का मतलब दो स्कूलों के बीच में, इंटर स्कूल गेम मतलब दो स्कूलों के गेम में के बीच में गेम, अगर मैं यहाँ लिख दिया हूँ इंटर मॉलिकुलर स्पेस, तो इसको आप इमेजिन कर सकते हैं, दो मॉलिक्यूल इंटर लगा ना, दो मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस। तो मतलब आप इसको डिफिनेशन नहीं याद करना है, आपको शब्द पकड़ लीजिए। इंटर मतलब होता है दो, ठीक है, दो किसी दो मॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस। तो अगर ये जो स्पेस है, दो मॉलिक्यूल के बीच का जो स्पेस है, इसी को कहा जाता है इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस। तो अगर आपको डिफाइन करने बोले कोई इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, ठीक है, ये कंसेप्ट का आगे भी हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर का बात करेंगे, तो इसको आप भूलिएगा नहीं। तो अगर हम बात करें इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस क्या, तो यही चीज, दो स्पेस बिटवीन द स्पेस, वो स्पेस बिटवीन टू पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल ही बोल सकते हैं, या मैंने बताया पार्टिकल मॉलिक्यूल अभी आपके लिए सेम है, पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ ए मैटर, ठीक है। तो वो जो दो पार्टिकल्स है उनके बीच का जो स्पेस है किसी मैटर का, उसी को क्या बोला जाता है इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। क्या बोला जाता है? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। ये क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इसको कहा जाता है, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टी अभी तक हम लोग पढ़ लिए, पढ़ा प्रॉपर्टी में क्या पढ़े, पहले प्रॉपर्टी में पढ़े कि पार्टिकल जो होता है मैटर का बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। फिर से मैं आपको डिवाइस करा दूं कि पहला चीज हम लोग पढ़ते हैं कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल से बना हुआ है, उसके बाद पार्टिकल की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या पढ़े कि पार्टिकल बहुत छोटे हैं, दूसरे बारे में क्या पढ़े कि पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, और आगे अब बात करने वाले हैं कि पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, ठीक है। जी हाँ, ठीक सुने कि पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं। इसके लिए आप छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट क्या है? तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए आप सिंपल सा ले सकते हैं कि आप अपना जो नल होता है, ठीक है, जो आप जहाँ से आप पानी पीते हैं स्कूल का या घर का, ठीक है, वो नल के पास आप जाके उस नल को चालू कीजिए, नल को स्टार्ट कर लीजिए। नल को स्टार्ट करने के बाद उसके बीच में जो उसका जो स्ट्रीम आ रहा होगा, पानी का धारा आ रहा होगा, उसमें हाथ दीजिएगा, ठीक है। अब जब तक हाथ देंगे तब तक थोड़ा देर के लिए पानी अलग अलग रहेगा, लेकिन जहाँ हाथ हटाएंगे तो क्या देखेंगे, फिर से जो पानी का जो धारा था, स्ट्रीम था, उसमें हर सारा मॉलिक्यूल, सारा पार्टिकल एक दूसरे से फिर से एक लाइन में आ गया। ऐसा क्यों हो गया? तो ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जो पार्टिकल थे वो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, इसीलिए ये दोनों एक साथ आ गए। अब यही प्रॉपर्टी हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए, इसके लिए मैंने आपको सिंपल सा एक्सपेरिमेंट बता ही दिया, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, आपको एनसीईआरटी बुक मिल जाएगा। मैं ये सब सिंपल समझता हूँ कि आपके पास एक नल था, अगर एक नल था और उस नल से या चापाकल था, उसमें से पानी आ रहा था, पानी का स्ट्रीम आ रहा था, उसके बीच में आप अपना उंगली दिए, तो उंगली जब तक दिए तब तक थोड़ा देर के लग था, लेकिन जहां उंगली आप हटाए, इसमें से उंगली रिमूव किए, तो क्या हुआ, फिर से स्ट्रीम एक साथ आ गया, लगा ही नहीं कि यहाँ पे ब्रेक है। ऐसा क्यों? क्योंकि वाटर एक मैटर था, मैटर है तो बना किससे होगा, पार्टिकल से, और उस पार्टिकल के बीच में ये मॉलिक्यूल, यहाँ का मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है। और ये अट्रैक्शन जो है, ठीक है, ये अट्रैक्शन किस चीज़ के कारण हो रहा होगा? तो जरूर जहाँ भी अट्रैक्शन होता है वहाँ एक फोर्स होता है, ठीक है। कोई भी फोर्स क्या होता है? पुश और पुल। तो यहाँ तो क्या हो रहा है, एक दूसरे को पुल कर रहा है, खींच रहा है, ये इसको खींच रहा होगा, ठीक। तो ये जो पुल है यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी अट्रैक्शन जो हो रहा है वो किसी कारण, एक फोर्स के कारण होगा। यानी हर एक दो पार्टिकल के बीच में एक फोर्स भी होता है। अभी तो हम लोग देखे थे कि हर एक दो पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, यहाँ से हम लोग इस एक्सपेरिमेंट से क्या समझ सकते हैं कि हर एक दो पार्टिकल के बीच में एक फोर्स भी होता है। तो ये जो फोर्स है इसको हम लोग फिर से क्या बोल देंगे, तो ऊपर का ही देखिए, दो पार्टिकल के बीच में तो इंटर, ठीक है, दो पार्टिकल को मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, तो इंटर मॉलिक्यूलर। और यहाँ किसकी बात हो रही है, स्पेस की बात हो रही थी, तो स्पेस, फोर्स की बात हो रही है तो फोर्स, तो क्या बोल देंगे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। और अट्रैक्शन है तो ये भी लिख सकते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या सिंपली द फोर्स बिटवीन एनी टू, द फोर्स बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर,
ठीक है. इसके लिए आपको और एनसीईआरटी में एक्टिविटी दिया हुआ है. एक एक्टिविटी होगा जिसमें बताया गया है कि आप एक आयरन नेल ले सकते हैं, एक चॉक ले सकते हैं और एक रबर मैन ले सकते हैं. ठीक है, और उनको चाहिए तो आयरन नेल को हथौड़ी मार के और चॉक को हथौड़ी मार के देखिए. तो दोनों जो है, एक बार आयरन नेल को दे लीजिए और एक बार चॉक को. तो आयरन नेल फिक्स है, टूटेगा तो नहीं, लेकिन चॉक टूट जाएगा. ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि चॉक के जो पार्टिकल थे वो उतना कस के उसको नहीं पकड़े हुए थे, इसलिए वो टूट गया. लेकिन आयरन नेल जो है उसके बीच में जरूर हर एक पार्टिकल के बीच में एक अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसलिए ये नहीं टूटा लेकिन ये टूट गया. मतलब यहाँ से भी ये बताना चाह रहे हैं कि इस दोनों के बीच में जो पार्टिकल था बीच में फोर्स था, चाहे ज़्यादा हो या कम हो लेकिन फोर्स था. तो इस तरह से हम लोग तीन प्रॉपर्टी अभी तक पढ़ चुके हैं. पहला प्रॉपर्टी फिर से मैं बता दूं कि पहला प्रॉपर्टी बताता था कि पार्टिकल जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं. दूसरे पढ़े कि पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, उस स्पेस को क्या बोलते हैं? बोलते हैं इंटरमोलेकुलर स्पेस. ठीक है, उसके बाद पढ़े कि पार्टिकल जो है मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इस फोर्स को क्या बोलते हैं? जो फोर्स है उसको बोल देंगे इंटरमोलेकुलर फोर्स. ठीक है, इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, यहाँ तक हम लोग इतना पढ़ चुके हैं. ये तीन जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग पढ़ चुके हैं. ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी की, जो कि है, तीन हम लोग पढ़ चुके हैं, एक पढ़ते हैं लास्ट कि पार्टिकल जो होते हैं मैटर के वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग. अब ये क्या बात हुई? ठीक है, तो देखिए इसको मैं आपको ऑब्जर्व कराता हूँ. ये उतना ईजिली ऑब्जर्व नहीं होता है आसपास से. ठीक है, ये बोल रहा है कि मैटर के जो पार्टिकल है, चूंकि हम पार्टिकल देख ही नहीं पा रहे, बहुत छोटा होता है इसीलिए इतना ऑब्जर्व नहीं हम लोग ये कर पाते हैं, पार्टिकल मूव कर रहा है. अब कोई चीज़ है, कार है, तो कार मूव कर रहा है वो दिखता रहता है, लेकिन ये पार्टिकल है, पार्टिकल जिसको हम देख भी नहीं पा रहे. ठीक है, तो केमिस्ट्री में बहुत सारी बातें ऐसी ही होती है जहाँ देख नहीं पाता है, इसलिए बहुत बच्चे को ये हार्ड भी लगता है. ठीक है, पर हार्ड लगने की कोई जरूरत नहीं है. आप इसको लॉजिकल केमिस्ट्री, मैं सिंपल बोलता हूँ, केमिस्ट्री जो है पूरा आपके जो सोसाइटी है उससे मिलता जुलता है, आपको धीरे धीरे फील हो जाएगा. ठीक है, धीरे धीरे फील हो जाएगा मुझसे पढ़ते पढ़ते कि केमिस्ट्री और हमारा जो सोसाइटी है दोनों बहुत मिला जुला हुआ है. ठीक है, आगे तो पार्टिकल जो होता है वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहता है. इसके मोशन को देखना उतना आसान नहीं है. क्यों आसान नहीं है? क्योंकि पार्टिकल को देखना आसान नहीं है. अब अगर आप कार है, कार को आप जानते हैं, कार को देखते हैं, तो इसलिए कार को मोशन को नोटिस कर सकते हैं, कार इधर जा रहा है या इधर जा रहा है. लेकिन पार्टिकल है, पार्टिकल जो आप देख नहीं पा रहे, तो इसके मोशन को देखना उतना आसान नहीं है. तो कैसे इसको हम लोग समझेंगे? तो इसको समझने के लिए आपके एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दिया हुआ है, उसमें आपको बोला हुआ है कि एक इंसेंस स्टिक, उम्मीद है आपको समझ में आता होगा इंसेंस स्टिक क्या है. हम लोग अगरबत्ती जो होता है, ठीक है, अगरबत्ती तो समझते होंगे. इंसेंस स्टिक बोला हुआ है आपको एक रूम के एक कॉर्नर में जलाने के लिए. ठीक है, और वो रूम आप पूरा बंद कर दीजिए. ठीक है, पूरा बंद कर दीजिए, पूरी तरह से बंद कर दीजिए. अब पूरी तरह से आप जब बंद कर दिए और रूम के एक कॉर्नर में इंसेंस स्टिक को गाड़ दिए हुए, ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? एयर है, वो भी मूव नहीं कर रहा है क्योंकि रूम है, रूम के अंदर आप सब कुछ बंद कर चुके हैं और कुछ नहीं है. रूम के एक कॉर्नर में आप क्या कर दिए? इंसेंस स्टिक धर दिए हुए. अब आप ये समझिए कि जब आप इंसेंस स्टिक धर दिए थे, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? एयर है. एयर एक मैटर है कि नहीं? एयर एक मैटर है. बोलेंगे ऐसा क्यों? तो देखिए एयर में दोनों प्रॉपर्टी है. एयर के पास मास भी है, पर हम तो नहीं फील किए, आपको फील कराता हूँ. और एयर के पास वॉल्यूम भी है, यानी वो जगह भी छेकता है. देखते हैं ना, पूरा रूम भरा हुआ है एयर. ठीक है, मास कैसे? इसको आप इस एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं, इस एक्टिविटी से देख सकते हैं. एक आप बैलेंस ले सकते हैं और बैलेंस में एक तरफ आप क्या करने वाले हैं? एक तरफ बलून रखने वाले हैं, वैसे ही. ठीक है, वैसे ही रखने वाले हैं. एक तरफ बैलून को, बैलून में हवा भर देने वाले हैं. आप देखेंगे कि ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस ऐसे हो जाएगा. ठीक है, इधर झुक जाएगा. क्या ये समझा रहा है आपको? ये आपको समझा रहा है कि इधर ज़्यादा वजन है. ज़्यादा वजन क्यों आ गया? दोनों तरफ तो वही बैलून है, लेकिन इस बैलून में क्या हुआ है? हम लोग हवा भर दिए. मतलब हवा के पास भी क्या होता है? मास, वजन होता है हवा के पास भी. ठीक है, मास इज नॉट डिफरेंट. अभी हमारे लिए मास वजन ही है एक तरह से. ठीक है, और वॉल्यूम तो होता ही है, जगह भी छेका हुआ है, तो इसलिए एयर भी एक मैटर है. तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दिया हुआ है, इसमें एक इंसेंस स्टिक आपको क्या कर देना है? जला के और एक कॉर्नर में रख देना है, रूम बंद कर देना है, जिससे कि आप हमारा जो एयर है स्थिर रहे, मतलब एयर मोशन ना करे आपके लिए. ठीक है, लेकिन रियल में आप देखेंगे क्या, फिर भी ये जो इसका जो धुआं होता है, स्मेल होता है, ये पूरे रूम में फैल जाता है. ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हुआ कि जो पार्टिकल था जिससे एयर बना हुआ था, एयर भी एक मैटर है, वो भी एक पार्टिकल से बना होगा, और जिस पार्टिकल से बना हुआ था वो मूव कर रहा था हमेशा. ठीक है, वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा था, तो इसीलिए क्या हुआ कि जो इसका जो स्मेल था इंसेंस स्टिक का, वो पूरे रूम में चला गया. तो इस एक्टिविटी से हम लोग दिखा सकते हैं कि जो पार्टिकल है मैटर के वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं. इसके लिए मैं एक और अच्छा आपको देखने वाला, ये तो था कि महसूस करने वाला आपके स्मेल के हिसाब से, एक देखने वाला एक्सपेरिमेंट भी आपको बताता हूँ. ठीक है,
इसमें आप क्या करने वाले हैं, तो इसमें आप लाइकोपोडियम पाउडर एक लैब में होता है जी, पाउडर के जैसे ही होता है, आप समझिए पाउडर के जैसे ही होता है, ठीक है, जैसा हम लोग का जनरल पाउडर होता है वैसा ही पाउडर होता है। उसको आप थोड़ा सा हल्का ब्राउन वाइट में पाउडर होता है, उसको आप पानी पे यहाँ ला के स्थिर पानी पे, पानी मोशन नहीं कर रहा वहाँ आप रख देंगे, थोड़ा सा ला के रख देंगे, बहुत लाइट होता है वो पाउडर, पाउडर वैसे भी बहुत लाइट होता है हम जानते हैं। ये देखेंगे आप कि धीरे धीरे आप मूव नहीं कर रहे हैं, एयर भी नहीं है वहाँ, आप इसलिए चाहेंगे तो रूम वगैरह बंद करके एक्टिविटी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ये जो इसमें जो पार्टिकल है वो धीरे धीरे मूव कर रहा है, क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि जो वाटर है वो उसको मूव कर रहा है। वाटर कैसे मूव कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना वाटर भी पार्टिकल से बना हुआ है और वाटर कंटिन्यूसली मूव करते रहता है, तो इसलिए ऊपर वाला भी मूव कर रहा है, ठीक है। इसके जगह आप के एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि अलग अलग चीज़ें भी कर सकते हैं आप, ठीक, तो आप इसके लिए इंक का दिया हुआ है, इंक के मदद से भी कर सकते हैं, तो बहुत सारी बातें आप लोग कर सकते हैं। तो ये चौथा प्रॉपर्टी था और ये लास्ट प्रॉपर्टी था पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में। तो अभी तक हम लोग जान चुके हैं कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है और इसके बीच में स्पेस होता है। आपके पास अब ये क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये चार क्वेश्चन आप लोग कोशिश कीजिएगा, एनसीईआरटी का ही है, ठीक है, इजी ही है, और लास्ट में जो है वही उसी का आंसर मैंने एक तरह से दिया हो, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, तो वही चार जो हम बताए हैं अभी वही कैरेक्टरिस्टिक है। अब बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की। अब देखिए जो हमारे पास मैटर है जो हम लोग आसपास देखते हैं वो मैटर मेनली तीन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, दो और स्टेट है, ठीक है, लेकिन उसी बारे में अभी बात नहीं करने वाले हम लोग। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बताया कि हम लोग टोटली एनसीईआरटी के हिसाब से चलने वाले हैं, तो अभी हम लोग बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। तो देखिए हमारे पास जो मैटर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, हाँ ये चैप्टर का ही नाम हो गया ना, ये इसीलिए नाम हो गया क्योंकि ऐसा ही नाम ही दिया गया हमारे चैप्टर को, कि मैटर जो हमारे आसपास में, तो मैटर जो हमारे आसपास में है इन आवर सराउंडिंग मेनली एग्जिस्ट, मतलब मुख्यतः रहते हैं इन थ्री स्टेट, तीन स्टेट में। अब ये स्टेट क्या है, ठीक है, ये स्टेट राज्य वाला नहीं है, ये स्थिति है, इस स्टेट का मतलब स्थिति, किस स्थिति में रहता है, तो ये साइंस इसको बोला गया है, साइंस इसको क्लासिफाई करता है सॉलिड लिक्विड और गैस में, ठीक है, सॉलिड लिक्विड और गैस में, ठीक है। तो अलग अलग मैटर जो आप आसपास देखेंगे वो अलग अलग स्टेट में रहेगा, अलग अलग स्थिति में रहेगा, ठीक है। हम लोग देख सकते हैं, या तो वो ऐसे आप बचपन से भी पढ़ते आए हैं तो उतना आपको ये एक्सेप्ट करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। हाँ, ये क्लास ऐसा है जहाँ पे आप अच्छे से इस तीनों के बीच में डिफरेंस समझ जाएंगे। आपको अगर यहाँ अभी तक दिक्कत हो रहा है कोई चीज़ को उठा रहा है, ये सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, ठीक है, तो उसके बारे में आज के बाद दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है, आज से आप समझ जाएंगे कि कौन सी सॉलिड है, कौन सी लिक्विड है, कौन सी गैस है। इसका पूरा पूरा रिलेशन है पार्टिकल्स ऑफ मैटर के साथ। अगर आप पार्टिकल ऑफ मैटर को अच्छे से नहीं पढ़े तो आपके लिए ये भी दिक्कत वाला बात हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल ऑफ मैटर में ही जो हम लोग पढ़े थे कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको बोलते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है जिसको इंटरमोलेकुलर स्पेस कहते हैं, इन्हीं पे डिपेंडेंट है ये सॉलिड लिक्विड गैस, मेन वही दो चीज़ है, ठीक है, मोलिकुलर फोर्स, ठीक है, और दूसरा चीज़ इंटरमोलिकुलर फोर्स और दूसरा चीज़ इंटरमोलिकुलर स्पेस, इसी दो चीज़ यही दो चीज़ डिसाइड करता है इनके सारे प्रॉपर्टी को। अगर आप वो दोनों नहीं समझे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा एक बार थोड़ा सा बैक जाके आप स्पीड से देखाइए वो दोनों को, अगर आप स्किप कर गया है यहाँ तक। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सॉलिड लिक्विड और गैस को पहचाने इनके से। तो देखिए सॉलिड लिक्विड और गैस को पहचाने के लिए आपके जो एनसीईआरटी है उसमें अलग अलग एक्टिविटी दिया हुआ है कि बहुत सारे चीज़ों को जमा करके करने के लिए, पर मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि आप कैसे पहचान सकते हैं। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई चीज़ को पहचाने के लिए कुछ प्रॉपर्टी होता है, आपको पहचाने के लिए जो है आपका सबसे बेस्ट तो एक नाम है, तो उनका भी ये सब नाम है, और उसके बाद आपको कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको यूनिक आइडेंटिटी देता है, उसी तरह से इनका भी कुछ प्रॉपर्टी है जो इनके इनको एक आइडेंटिटी देता है, उन्हीं को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहली बात आते हैं सॉलिड लिक्विड और गैस के बीच में डिफरेंस समझते हैं, और इसी डिफरेंस से हम लोग पहचान लेंगे कि सॉलिड कौन है, लिक्विड कौन है और गैस कौन है। चलिए बात करते हैं। पहला चीज़ हम लोग बात करेंगे, अगेन मैं फिर से वही से बात करूंगा, वैसे बुक सब में लिखा रहता है शेप और साइज से, पर मैं शेप और साइज से नहीं बात करूंगा, मैं बात करूंगा इंटरमोलिकुलर स्पेस से, इंटरमोलिकुलर स्पेस पहला फैक्टर, ठीक है। तो इसको मैं आप इस तरह से समझो, मेरे पास सॉलिड, सॉलिड जब हमारे माइंड में सॉलिड वर्ड आता है तो हम लोग कोई ऐसा चीज़ इमेजिन करते हैं जो हार्ड हो, ठीक है, हार्ड हो, ठीक, एग्जाम्पल के रूप में ईंट, ये सबको इमेजिन कर सकते हैं। तो देखिए जब हार्ड कोई चीज़ कब होगा, जब उनके पार्टिकल एकदम इस पास पास होंगे, ठीक है, या एकदम दूर दूर होंगे,
तो ऑब्वियस है आप सभी ने जवाब दिया होगा कि जब पार्टिकल बहुत पास पास होंगे तो जो सब्सटेंस है वो बनेगा टाइट और उसको हम लोग सॉलिड बोलेंगे। तो अगर देखिए ये पास पास है मतलब स्पेस ज़्यादा है या कम, तो जब पास पास है मतलब स्पेस कम होगा, तो सॉलिड जो कि बहुत टाइट होता है उसमें स्पेस क्या होने वाला है, कम, सबसे कम। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो सॉलिड में होने वाला है वो होने वाला है लिस्ट। लिस्ट लिस्ट तो समझते हैं ना, इंग्लिश में होता है लेस लेसर लिस्ट, लेस मतलब कम, लेसर मतलब उससे भी कम, लिस्ट मतलब सबसे कम, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स इन सॉलिड इज लिस्ट। मैं आपको ये सब नहीं लिखूंगा, उसमें टाइम जाएगा जूटो का, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे इंटरमोलिकुलर स्पेस इन सॉलिड इज लिस्ट, लिक्विड में और गैस में, ठीक है। तो समझिए इसमें देखते हैं, लिक्विड में और गैस में, गैस जब भी हम लोग इमेजिन करते हैं देखते हैं कोई चीज़ जो भाग रहा है इधर उधर जा रहा है, ठीक है, जिसको हम पकड़ नहीं सकते, तो वो कब होगा, जब स्पेस बहुत ज़्यादा होगा, नहीं, स्पेस जब बहुत ज़्यादा होगा तो वो एक दूसरे के पकड़ में रहेगा ही नहीं और जाएगा, ठीक है। तो इनमें स्पेस बहुत ज़्यादा होगा, यानी स्पेस सबसे मोस्ट होगा, ठीक है, इसे लिखेंगे इंटरमोलिकुलर स्पेस इन गैस इज मोस्ट या हाइएस्ट, सबसे ज़्यादा रहता है। और लिक्विड में कैसे, लिक्विड में इन दोनों के बीच का, ठीक है, इंटरमीडिएट लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब बीच का, बीच का, ठीक है, बीच का, मीडियम भी लिख सकते हैं, यानी ना ही बहुत कम होता है स्पेस ना ही बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। स्पेस तो होता है, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका, एक्सपेरिमेंट ही हम लोग कर चुके हैं ना, पानी में हम लोग चीनी डाले थे, ठीक है, वो भी स्पेस, और देखे थे कि पानी में जब चीनी डालते तो वो चीनी कहीं चला गया था, वॉल्यूम ही नहीं बढ़ा, तो मतलब स्पेस है। तो पहला चीज़ ये देखें, अब देखिए स्पेस जहाँ कम है, ठीक, इसका क्या मतलब है, यानी पास पास है। अब पास पास होगा कब, जब ज़्यादा फोर्स लगेगा या कम फोर्स लगेगा, तो आपको ऐसे इमेजिन कीजिए, अगर ज़्यादा फोर्स लगेगा कोई चीज़ पे, ये है, ये इस पर ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो ये आराम से इधर आ जाएगा, मतलब स्पेस जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन यही पार्टिकल है और इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये आराम से दूर भाग सकता है, ठीक है। यानी अगर हम बात करें इंटरमोलिकुलर फोर्स की, इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें हम, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और अच्छे से बोले तो इसको और एक सिचुएशन से आप इमेजिन कीजिए, एक बच्चा है जो अपने घर से बहुत फ्री है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उसके गार्जियन उस पर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं रखे हुए, ज़्यादा बाधा नहीं रखे हुए, यानी उसके उनके गार्जियन उनको ज़्यादा पुश नहीं करते, ज़्यादा फोर्स नहीं करते, तो वो अपने गार्जियन से दूर ही रहता है। मतलब फोर्स कम होता है जहाँ भी, आप इसको अच्छे से समझिए, फोर्स जितना कम होगा, ठीक है, लेसर द फोर्स मोर, जितना कम फोर्स मोर विल बी स्पेस, उतना स्पेस होगा, या ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है, जितना स्पेस होगा, ठीक है, जितना स्पेस होगा दो चीज़ के बीच जितना स्पेस होगा मतलब फोर्स उतना कम है, ठीक है। तो इसमें चूंकि जगह बहुत कम है, लीस्ट स्पेस है, मतलब फोर्स क्या होगा, सबसे ज़्यादा, ठीक है, यानी इसमें लिखेंगे कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाइएस्ट। क्यों हाइएस्ट, फिर से इसको समझिए, हाइएस्ट इसीलिए है क्योंकि इसको हाइएस्ट है ये इसलिए क्योंकि जगह बहुत कम है। ये तो आप समझ गए, जगह बहुत कम क्यों है, क्योंकि टाइट दिखते हैं हम लोगों को, तो जगह कम होगा तभी टाइट होगा। अब हाईएस्ट इसी फोर्स से क्या रिलेशन है, फोर्स से इसलिए इसका रिलेशन है कि देखिए फोर्स जहाँ दो चीज़ के बीच में ज़्यादा होगा, ठीक है, तभी नहीं ये दोनों पास पास में होगा, फोर्स होगा ही नहीं तो दूर दूर भाग जाएगा। तो इसीलिए इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज सॉलिड इज हाईएस्ट। अगेन गैस देखते हैं भागा भागा रहता है, ठीक है, इसका हर एक पार्टिकल यहाँ था, दूसरा पार्टिकल दूसरी जगह, ठीक है, तो इसीलिए इसका जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन गैस या स्टेट या गैस इज लोएस्ट, सबसे कम। और इसमें फिर से इंटरमीडिएट यानी लिक्विड जो है वो हर में लगभग में क्या होगा, बीच वाला होगा, ना ही बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना ही बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इस दोनों चीज़ को रियलाइज करते हुए मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे, नहीं समझ गए हैं तो एक बार बैक जाके देख लीजिए, मुझे उम्मीद है ये समझ गए होंगे आप, मैंने एग्जांपल दिया ही हुआ, अच्छा अच्छा तो अब ये समझ गए अगर, तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं सारा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी आता है इसका शेप पे, ठीक है, शेप पे। अब कोई चीज़ जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, हाईएस्ट है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है और उसके साथ साथ क्या है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है उसके साथ साथ स्पेस भी बहुत कम है, तो ऑब्वियस है जहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो स्पेस कम होगा, ठीक है, या स्पेस कम होगा मतलब फोर्स ज़्यादा है जो उसको खींच के रखे हुआ है। तो शेप वैसे चीज़ का क्या होगा, वैसे चीज़ का शेप फिक्स होना चाहिए या फिक्स नहीं होना चाहिए, तो ऑब्वियस है फिक्स होना चाहिए। अगर कोई चीज़ बांध के रखा हुआ है, ठीक है, फोर्स बहुत ज़्यादा है तो एक खास तरह का शेप ले लेगा और वो इधर उधर नहीं जा सकता है,
अब गैस का बात देख लीजिए, गैस में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है, इसको एक यहाँ एक यहाँ, तो क्या होगा उसका कोई खास शेप नहीं होगा, फिक्स शेप नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, तो नो फिक्स शेप, तो इसीलिए इसी दोनों फैक्टर से, ठीक है, सॉलिड के पास, सॉलिड हैज फिक्स्ड शेप, सॉलिड के पास कैसा होता है, फिक्स्ड शेप होता है, अगेन फिर से फिक्स्ड शेप क्यों होता है, ठीक है, फिक्स्ड शेप इसलिए होता है क्योंकि ये सेकेंड प्रॉपर्टी है, फिक्स्ड शेप इसीलिए होता है क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है और स्पेस कम। क्या इन दोनों का फिक्स शेप होता है, तो नहीं, हम लोग देखते हैं पानी को रखते हैं, ठीक है, अगर ग्लास में रख देते हैं तो ग्लास का शेप ले लेता है, अगर हम लोग कंटेनर कोई दूसरे कंटेनर में रख देते हैं, बोतल में रख देते हैं तो बोतल का शेप ले लेता है, ठीक है, मतलब पानी का फिक्स शेप नहीं होता है, तो वाटर हैज नो फिक्स्ड शेप। क्या गैस का होता है, तो गैस का क्या बोलिएगा, इसका तो नहीं होता है, क्या देखें कभी गैस का फिक्स शेप नहीं देख सकते हैं, एक रूम में देखिए तो एक रूम का शेप ले लेता है, एक अगर आप फिर से इसी के जैसे अगर ग्लास में रखिए तो ग्लास भर जगह ले लेगा, ठीक है, तो इसका भी फिक्स शेप नहीं होता है, अगेन रीजन वही है, क्या रीजन है, तो स्पेस इस सब में ज़्यादा है और फोर्स कम है, तो बांधने वाला कोई है ही नहीं, फिक्स शेप कब बनता है, जब बांध के कोई रखे, पर बांधने वाला कोई है ही नहीं, इसलिए इसका शेप फिक्स नहीं होता है, नो फिक्स्ड शेप। अब चलिए चौथे प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, चौथे प्रॉपर्टी की तरफ, और चौथा प्रॉपर्टी जो है वो है वॉल्यूम, वॉल्यूम तो समझते हैं, स्पेस कोई चीज़ कितना ऑक्यूपाई करता है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट। अब जिसका फिक्स शेप है, जिसका फिक्स्ड शेप है, देखिए सब कुछ रिलेटेड है एक दूसरे से, जिसका फिक्स्ड शेप है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और जगह सबसे कम है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, ऑब्वियस है फिक्स होगा, अगर आप यहाँ पे रख दिए एक चौक, तो क्या ये आप चौक इमेजिन करते हैं कि ये चौक फूल के और पूरा जगह ले लेगा, नहीं जगह ले लेगा, जितना जगह है इसका इतना में, इतना जगह अगर शुरू में लिया था इतना ही जगह लेगा, क्यों इतना ही जगह लेगा, क्योंकि इसके बीच में इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक दूसरे चौक के पार्टिकल के बीच में इतना अट्रैक्शन का फोर्स है कि इसको इधर उधर जाना ही नहीं देगा, तो मतलब वॉल्यूम भी जो होता है सॉलिड का वो क्या होता है, फिक्स्ड, फिक्स्ड वॉल्यूम। लेकिन यही बात करें किसका, लिक्विड का, तो लिक्विड का आप देखे होंगे कि इसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है, क्यों फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है, तो आप अगर सॉरी अगर इसकी बात करें लिक्विड का, तो लिक्विड को का तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, तो बोलेंगे नहीं फिक्स्ड वॉल्यूम तो नहीं होता है, अभी हम लोग देखें कि कंटेनर में रखे तो कोई दूसरा चीज़ और बोतल में रखे तो कोई दूसरा चीज़, तो वो शेप बदल रहा था, पानी अगर एक लीटर था तो आप अगर ग्लास में रख रहे हैं कोई बड़ा सा ग्लास में तब भी उतना ही वॉल्यूम रहेगा, और अगर एक बाल्टी में रख रहे हैं एक लीटर एक ही लीटर रहेगा, किसी बोतल में रख रहे हैं तो एक ही लीटर रहेगा, तो वॉल्यूम जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो तो उतना ही कर रहा है ना, आप अगर बाल्टी में रख रहे हैं एक लीटर कोई बड़ा बाल्टी में तो इतना ही स्पेस लेगा, ठीक है, बोतल में रख रहे हैं एक लीटर वाला बोतल में तो पूरा बोतल का ले लेगा जगह, तो वॉल्यूम तो फिक्स हो जाता है ना, तो लिक्विड है फिक्स वॉल्यूम, लिक्विड है फिक्स वॉल्यूम, लिक्विड के पास क्या होता है फिक्स वॉल्यूम हैज फिक्स। लेकिन यही बात करें हम गैस की, तो इमेजिन कीजिए गैस का, गैस को हम एक ग्लास में रख दिए, ग्लास का जगह ले लिए, ग्लास से हटा लिए और एक बाल्टी में रख लिए, तो चूंकि इतना इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना इतना कम है कि अब ये पार्टिकल पूरा पूरा कंटेनर में फैल गया, पूरा बाल्टी में, अगर एक रूम में छोड़ दिए, इस पूरे रूम में छोड़ दिए, तो इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है इसका पार्टिकल पूरे रूम में जाके पूरे रूम का क्या कर लिया, स्पेस ले लिया, तो मतलब नो फिक्स्ड वॉल्यूम, कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है, इतना चीज बात की। अब चलिए इसी से रिलेटेड एक पाँचवा प्रॉपर्टी, हम लोग शेप वॉल्यूम के बारे में बात कर लिए, शेप साइज भी इसी में आता है, साइज फिक्स होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं एक प्रॉपर्टी की जिसको बोलते हैं फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी मतलब फ्लो करने की प्रॉपर्टी, नाम से पता चल रहा है फ्लूइडिटी मतलब फ्लो करने की प्रॉपर्टी, ठीक है, तो द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच, वो प्रॉपर्टी जिसके कारण ड्यू टू विच एनी सब्सटेंस कैन फ्लो, कोई सब्सटेंस फ्लो कर सकता है, तो वो प्रॉपर्टी जिसके कारण कोई सब्सटेंस फ्लो कर सकता है उसको बोलते हैं फ्लूइडिटी। अब कोई चीज़ फ्लो भी कर सकता है, बह भी कर सकता है क्या, जरूर बात है, आप अगर एक पानी को आप अगर अपने बरामदे पे गिरा दे, ठीक है, अपने जो आपका जो रूम है उसके फर्श पे गिरा दे, तो क्या होगा, वो पानी पूरा फैल जाएगा आपके बरामदे पे, बह के एक जगह से फ्लो करके एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, ठीक है, लेकिन वही आप चौक डाल देंगे तो क्या चौक होगा, ठीक है, क्या अगर आप एक ईंट को डाल देते हैं तो क्या वो ईंट बह के चला जाएगा खुद ब खुद, नहीं जा सकता है, ठीक है, अगर आप कोई बड़ा सा पत्थर ला के डाल देते हैं तो क्या वो चला जाएगा,
नहीं क्योंकि वो सॉलिड है और सॉलिड बह नहीं सकता है. क्या सॉलिड बह सकता है, क्या सॉलिड फ्लो कर सकता है बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के? यहाँ आप एक और चीज़ लगा सकते हैं, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स. नहीं तो किसी किसी के मन में चल रहा होगा कि उसको धक्का दे देंगे तो फ्लो कर जाएगा, तो ऐसा नहीं है. विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एनी सब्सटेंस कैन फ्लो विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स. बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स या हेल्प के अगर कोई चीज़ फ्लो कर सकता है, बह सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लूडिटी. आप देखेंगे सॉलिड ऐसा फ्लो नहीं देखा जाता है, सॉलिड में ऐसा फ्लो नहीं देखा जा सकता है, लेकिन वाटर और लिक्विड, लिक्विड में और गैस में ये फ्लो देखा जा सकता है. लिक्विड और गैस जितने होते हैं, वाटर का एग्जाम्पल लीजिए, तो वाटर वो बह सकते हैं. तो यानी हम लोग आप यहाँ बोल सकते हैं सॉलिड कैन नॉट फ्लो, सॉलिड नहीं फ्लो कर सकता, लेकिन लिक्विड और गैस फ्लो कर सकते हैं. लिक्विड कैन फ्लो, लिक्विड फ्लो कर सकता है, ठीक है, और गैस ऑल्सो फ्लो. अब ये भी रिलेटेड है इस दोनों से, फोर्स और इससे. कैसे? तो देखिए, जिस दो के बीच में फोर्स नहीं होगा, फोर्स बहुत कम होगा, तो आराम से एक दूसरे से आज़ाद है तो जा सकता है एक दूसरे को छोड़ के. लेकिन यहाँ इतना ज़्यादा फोर्स है, इतना ज़्यादा फोर्स है, ये इधर जाना चाहता है लेकिन ये बोलता नहीं आओ इधर आओ इधर, तो खींच के रखिए वो. तो फ्लूडिटी भी एक ऐसा ही कारण. अब ऐसा ही एक और प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेस का नाम तो आप सुने ही होंगे, कंप्रेशन एक्सपेंशन, सिक्स क्लास से ही पढ़े होंगे. हीट करने पे कोई चीज़ फैल जाता है एक्सपेंशन, और अगर कोई चीज़ को कूल करते तो कंप्रेस हो जाता है, दब जा रहा है. तो कंप्रेसिबिलिटी, जहाँ भी बिलिटी आता है, देखें यहाँ डीटी आता है, उसका मतलब होता है एबिलिटी, क्षमता, जैसे यहाँ है प्रॉपर्टी. तो ये भी एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण, नहीं तो प्रॉपर्टी ड्यू टू विच कोई चीज़ को दाब सकते हैं, ड्यू टू विच एनी सब्सटेंस कैन बी कंप्रेस्ड को दबा जा सकता है, ठीक है, दबा जा सकता है मतलब उसका वॉल्यूम कम किया जा सकता है. कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके, बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स. इसका बेस्ट एग्जांपल आपके घर में है, आपका जो एलपीजी है, सिलेंडर है, उसमें आप देखिए 15 केजी गैस रहता है. कहने के लिए 15 केजी इतना गैस है कि पूरा वर्ल्ड भर दे, पूरा एक कंट्री में पूरा 15 केजी गैस हो. जी आपने सही सुना, गैस का इतना वॉल्यूम होता है कि बहुत दूर दूर तक फैल सकता है. मैंने बोला तो अगर आप 1 ग्राम गैस लेते हैं, वो 1 ग्राम गैस ही काफ़ी है आपके पूरे रूम को भरने के लिए. आप अगर चाहे तो आपके पॉकेट में भी 1 ग्राम रह सकता है, और चाहे तो पूरे रूम में भी रह सकता है, चाहे पूरे तो ग्लास में भी रह सकता है, ठीक है. तो इतना है, तो लेकिन वो 15 केजी गैस एक छोटे से सिलेंडर में है, कैसे ये पॉसिबल है? तो इससे पॉसिबल इसलिए है क्योंकि हम उसको दबा के रखे हुए हैं, ठीक है, कंप्रेस करके रखे हुए. क्या सॉलिड कंप्रेस होता है? इसके लिए आपके एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है. वो क्या किए हुए हैं? तो एक सिरिंज लिए हुए हैं जी, जिससे सुई दिए जाता है वही सिरिंज, और उसमें एक बार चौक को डाले हुए हैं, और चौक को देखें दबा के, तो देखें कि नहीं दबता है. मतलब वो चौक एक सॉलिड है, चौक एक सॉलिड है, तो चौक नहीं दबता है, ठीक है. एग्जाम्पल है बर्फ, पानी का बर्फ ले लीजिए, उसको दबने की कोशिश किए, नहीं दबेगा, ठीक है. लेकिन अगर लिक्विड लिक्विड है, उसको भी आप देखें और यहाँ बंद कर लीजिएगा. ऐसा नहीं है कि दोनों के सब केस में, यहाँ बंद कर लीजिएगा हाथ, ठीक है, और यहाँ दबने की कोशिश किया, नहीं देगा. लेकिन गैस में दब जाएगा थोड़ा सा प्रेशर डालने पे, फोर्स डालने पे. तो सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, यहाँ से क्या समझते हैं? सॉलिड नहीं बह सकता है, नहीं फ्लो कर सकता है, नहीं कंप्रेस्ड किया जा सकता है. सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. लिक्विड ऑल्सो कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, लिक्विड को भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता. किसी की बुक में लिखा रहता है कि बहुत कम, नेग्लिजेबल, ना के बराबर कंप्रेस किया जाता है, तो मैं सीधा ही लिखता हूँ नहीं कंप्रेस किया जाता है. गैस कैन बी कंप्रेस्ड, गैस को कंप्रेस्ड किया जा सकता है, बहुत हाई अमाउंट में कंप्रेस किया जा सकता है. कैसे कंप्रेस किया जा सकता है वो हम लोग थोड़ा आगे देखेंगे. वैसे अभी सिंपल में आप समझ सकते हैं कंप्रेस करने का मतलब उस पर फोर्स ऑफ फोर्स लगाना, ठीक है. तो ये सब कुछ बातें थी जो कि सॉलिड लिक्विड और गैस को आइडेंटिफाई करता है. इसके लिए आप एक एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, अगर हम बात करें पानी, पानी तीनों रूप में रहता है. अगर सॉलिड के बाद रूप में करें तो आइस में रहता है, लिक्विड में बात करें तो नॉर्मल जो हमारा वाटर है जिसको हम लोग बोलते हैं पीने वाला पानी, वो वाटर हमारा लिक्विड में है, और गैसेस स्टेट में वो वेपर के रूप में रहता है, वाटर वेपर, ठीक है, स्टीम के रूप में. तो तीनों स्टेट में हमारा पानी एक ऐसा चीज़ है, ऐसा यूनिक लिक्विड है, एक ऐसा यूनिक सब्सटेंस है जो तीनों स्टेट में रहता है और एक जगह पर रहता है, ठीक है. यहाँ भी हमारे घर पर भी पानी लिक्विड में भी है, सॉलिड में भी है, गैस में भी, ठीक है. और सॉलिड में अगर आपके रूम में फ्रिज होगा, आपके घर में फ्रिज होगा, तो सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी है, और गैस में भी है. तो ये तीन, इससे हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लिए कि क्या क्या मेन मेन प्रॉपर्टी है. और बुक्स में बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है उन सबसे. ये मेन प्रॉपर्टी जहाँ से ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, शेप, वॉल्यूम, फ्लूडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, स्पेस और फोर्स. ये आप जानते हैं तो इसके बाद और सब कुछ आप खुद ब खुद समझ जाएंगे. और ज़्यादा है कहने के लिए बहुत सारा प्रॉपर्टी और है, जैसे मैं बात करूँ
रिजिडिटी द सॉलिड आर रिजिड, ठीक है, लिखने के लिए मैं अभी 10 लिख दूँ, ठीक है, मैं यहाँ अगर ऐड करता जाऊँ तो मैं भी एक और पेज भर सकता हूँ, उसका कोई ज़रूरत नहीं है कि सॉलिड रिजिड होता है, लिक्विड रिजिड नहीं होता है, सॉफ्ट होता है, गैस और रिजिड नहीं होता है, ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है तो, लेकिन उसके बारे में हम लोग अब बात नहीं करेंगे, उसे फालतू है। मेन आपको मैंने बोला ना, मेन आपको दो, ये दो है ना, ये तो आप समझ सकते हैं, रटना नहीं है, रटना नहीं है, समझ सकते हैं आप खुद, एक दो एग्जांपल ले लीजिए अगल बगल का, खुद ये दो समझ गए सारा कुछ अपने आप डिफाइन हो जाएगा। तो फिर से यही बात करो, डेंसिटी ज़्यादा है इसका काम, इसका सबसे कम, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है डेंसिटी की वगैरह वगैरह की बात करने की, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। हाँ, अगर डेंसिटी टर्म के बारे में समझना है तो आप समझा देता हूँ कि डेंसिटी होता क्या है। तो डेंसिटी हम लोग समझ लेते हैं और कहने के लिए लिख भी लीजिए, सॉलिड है हाईएस्ट डेंसिटी, तो डेंसिटी के बारे में समझते हैं, उसके बाद डेंसिटी के आधारित प्रॉपर्टी भी एक कर लेते हैं, क्योंकि डेंसिटी से एक क्वेश्चन भी आपको, तो डेंसिटी क्यों छोड़ दें, हम लोग डेंसिटी कर लेते हैं। ये कितना नंबर प्रॉपर्टी हो जाएगा हमारा, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, सेवन्थ। अब समझते हैं डेंसिटी क्या है। डेंसिटी को वैसे तो बुक में डिफाइन किया जाता है ऐसे, मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर इसे कोई समझता नहीं है, मुझे पता है आपका दर्द, तो मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या कहना चाह रहा है मैं आपको समझाता हूँ, डेंसिटी, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि डेंसिटी किसका ज़्यादा रहता है, किसका कम होता है, या किसका सबसे कम होता है, इसके बारे में सॉलिड लिक्विड और गैस में कंपैरिजन करके देखें। तो देखिए आपको मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि डेंस, डेंस तो वर्ड आप समझे ही होंगे, सुने ही होंगे, डेंस मतलब होता है कोई चीज़ जो घना है, डेंस फॉरेस्ट नाम सुने होंगे, डेंस फॉरेस्ट मतलब घना जंगल। तो उसी से आप देखिए डेंस फॉरेस्ट किसको बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारा, बहुत ज़्यादा ट्री हो कम ही जगह में। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम मैं तब से बता रहा हूँ, वॉल्यूम मतलब स्पेस। तो अगर ज़्यादा मास है, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ है कम ही जगह में, ठीक है, कम ही जगह में बहुत सारा ट्री है, तो डेंस फॉरेस्ट, इतना जगह में सिर्फ तीन ट्री है तो लेस डेंस, ठीक है, लोएस्ट डेंसिटी है इसका। डेंस और डेंसिटी अलग अलग चीज़ नहीं है, ठीक है, अभी आपके लिए, अभी अगर डेंसिटी का सिर्फ बात कर रहे हैं तो इसका इतना ही मतलब है कि एक पर्टिकुलर स्पेस में, यहाँ यूनिट किस लिए लगाया, यूनिट मतलब हम लोग वन से इंटरेस्टेड रहते हैं, हम बात करते हैं वन मीटर क्यूब में, ये वॉल्यूम का यूनिट है, वन मीटर क्यूब में कितना ज़्यादा चीज़ है। अगर मैं बात करूँ ये मेरे पास वन मीटर क्यूब का, तीन बार हम जगह लेते हैं, ये दो जगह है, ये भी वन मीटर क्यूब है, आपको ये थोड़ा छोटा बड़ा लग रहा होगा लेकिन इमेजिन कीजिए दोनों एक ही है, ठीक है, ये भी वन मीटर क्यूब है, यहाँ भी ये वन मीटर क्यूब है, यहाँ पे ऐसे 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 एक दो तीन चार पाँच ग्राम मान लीजिए शुगर है, एक ग्राम एक है, और यहाँ पे एक दो तीन, तीन ग्राम शुगर, तो यहाँ ज़्यादा मास है, यहाँ ज़्यादा चीज़ें हैं, मास नहीं तो समझिए ज़्यादा चीज़ है, ठीक है, ज़्यादा चीनी है उसी वॉल्यूम में, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ कम है, तीन ही चीनी का क्रिस्टल है उतना ही वॉल्यूम में, तो इसका डेंसिटी ज़्यादा, ये ज़्यादा घना लग रहा है ना, तो इसका डेंसिटी ज़्यादा है। फॉर्मूला इसका इजी है, क्या है, मास नाम ही बोला है, पर यूनिट मतलब पर जहाँ लग जाए, ठीक है, तो वो नीचे में आ जाता है वॉल्यूम, जैसे स्पीड का डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो टाइम नीचे आ जाता है, तो डेंसिटी का ये फॉर्मूला है, जितना ज़्यादा मास रहेगा एक खास वॉल्यूम में उतना डेंसिटी होगा। तो अब देखिए चूँकि सॉलिड का मास बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर बात करें इसमें, ठीक है, मास एक खास वॉल्यूम में, चलिए बात करते हैं यहाँ पे, चूँकि जो सॉलिड है उनके बीच में स्पेस क्या होता है, बहुत कम, तो बहुत ज़्यादा जो मैटर है वो, अगर एक छोटा सा पार्ट लेते हैं सॉलिड में से, इतना छोटा पार्ट लेते हैं लिक्विड में से, इतना पार्ट लेते हैं गैस में से, छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, इतना 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 बड़ा बड़ा पार्ट लेते हैं, तो अब देखेंगे कि इतना ही में बहुत सारा पार्टिकल है, किसका, सॉलिड का, लेकिन लिक्विड का उतना ही में कम है, क्योंकि उस सबके बीच में ज़्यादा स्पेस होता है, गैस में और कम है, तो इसीलिए क्योंकि मास ज़्यादा होता है सॉलिड केस में, ज़्यादा पार्टिकल होने के कारण, तो सॉलिड हैज़ हाइएस्ट डेंसिटी, हाईएस्ट डेंसिटी, लेकिन लिक्विड के पास वही लो डेंसिटी, सॉलिड लोअर डेंसिटी देन सॉलिड, सॉलिड से कम डेंसिटी, और इसके पास तो बहुत कम, ठीक है, लीस्ट डेंसिटी, सबसे कम डेंसिटी, सबसे कम डेंसिटी किसकी, गैस की। तो ये सब बातें थी स्टेट्स ऑफ मैटर के, और भी बहुत सारी बातें हैं, हम लोग ज़्यादा नहीं करने वाले हैं, ठीक है, डेंसिटी पे एक क्वेश्चन था इसलिए आपको मैंने ये करवा दिया, और कंप्रेसिबिलिटी फ्लूइडिटी मैंने करा ही दिया है, ठीक है। एक और चीज़ कहकर पूछ दिया जाता है फ्लूइड क्या है, तो ही आप अगर फ्लूइडिटी समझ गए, मतलब प्रॉपर्टी जिसके कहाँ कोई चीज़ बहता है, तो फ्लूइड क्या हो गया, कोई चीज़ जो बह रहा है, ठीक है, तो सब्सटेंस दैट फ्लो, सब्सटेंस जो बह सकते हैं दैट फ्लो, और किस तरह से मैंने एक शब्द बोला है आपको एक चीज़ जोड़ देने के लिए, एक स्टेटमेंट, विदाउट हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, विदाउट हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के मदद से अगर कोई सब्सटेंस फ्लो कर रहा है तो उसी को फ्लूइड बोलते हैं। एग्जांपल कौन है, दो ही एग्जांपल है, एक होते हैं जितने लिक्विड है और जितने गैस है, तो उसको कहा जाता है फ्लूइड, क्योंकि वो अपने आप बह सकते हैं। ऐसे पीछे का प्रॉपर्टी हम लोग देखें ना फ्लूइडिटी में, फ्लूइडिटी में हम लोग देखे हैं
कि प्रॉपर्टी टू बी सब्सटेंस कैन फ्लो और उसमें लिक्विड और गैस फ्लो कर सकता था लेकिन सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता है, तो सॉलिड को फ्लूइड नहीं माना जाता है, लिक्विड और गैस को फ्लूइड माना जाता है। अब चलिए एक क्वेश्चन आता है कि क्या कोई चीज सॉलिड में भी लिक्विड में भी और गैस में भी रह सकता है, तो हाँ तो रह सकता है, आपको मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है, ठीक है। अब अगर रह सकता है तो कैसे ये चीज़ें रहती हैं, क्या क्या फैक्टर है जो कि कोई चीज़ को सॉलिड रखता है, कोई चीज़ को लिक्विड रखता है, कोई चीज़ को गैस रखता है एक ही स्थिति में, ठीक है। तो वो चीज़ अभी समझने वाले, तो आप इमेजिन कर सकते हैं सॉलिड को कुछ इस तरह का, ठीक है, जिसमें पार्टिकल है और पार्टिकल में बहुत कम स्पेस है, क्या है, बहुत कम स्पेस है, इसलिए ये दोनों सब मूव नहीं कर पा रहे, इतना कम स्पेस है कि मूव भी नहीं कर पा रहे, सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। लिक्विड को आप ऐसे इमेजिन कीजिए, ठीक है, कि इससे ज़्यादा ज़्यादा स्पेस है, और गैस को ऐसे इमेजिन कीजिए, सॉरी इतना ही बड़ा मैं बना रहा हूँ, गैस को ऐसे इमेजिन कीजिए, ठीक है। ये सॉलिड का अरेंजमेंट है, ये लिक्विड का अरेंजमेंट है, ज़्यादा ज़्यादा देख रहे हैं ना, इसमें कम कम स्पेस है, बहुत कम स्पेस है, क्यों होगा, क्योंकि ज़्यादा फोर्स है, यहाँ मूव कर सकता है, स्पेस थोड़ा ज़्यादा है, और यहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेस है दो पार्ट के बीच में, ये गैस का। तो आपको ये एक चीज़ समझना पड़ेगा कि कोई चीज़ में जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं या टेम्परेचर कम करते हैं तो क्या होता है, यानी हीट करते हैं या हीट छीनते हैं किसी चीज़ से तो क्या होता है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा फैक्टर है प्रेशर, जब कोई चीज़ पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं या प्रेशर हटा लेते हैं तो क्या होता है, ये दो चीज़ आपको समझना है, ठीक है। क्या क्या चीज़, एक समझना है टेम्परेचर और एक समझना है प्रेशर, अगर ये दो समझ जाते हैं कि ये कैसे इस अरेंजमेंट पर इफेक्ट करता है, आप अपने आप समझ जाएंगे कि रियली में कि क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर और प्रेशर का, और कैसे कोई चीज़ सॉलिड में रह सकता है, कोई चीज़ लिक्विड में रह सकता है, कोई चीज़ गैस में रह सकता है, ठीक है। तो हमारे पास एक चीज़ है कि मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ मैटर के तीन ही स्टेट हैं, दो और स्टेट होते हैं प्लाज्मा बीबीसी, लेकिन उसके बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं, बॉस आइंस्टीन का कंडेंसेट बीसी होता है, लेकिन उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, उसके बाद मैं एक डिटेल वीडियो सेपरेटली लाऊंगा, जो जो एडिशनल टॉपिक है और मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन तो उसको मैं क्या करूंगा, सेपरेटली एडिशनल वीडियो लाऊंगा और इसमें कर दूंगा। मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, कैसे स्टेट करेंगे, तो बाय चेंजिंग द अरेंजमेंट, और वो अरेंजमेंट कैसे चेंज होगा, बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ कि आप लोग ऐसे बहुत सारा शरारत करते ही है, तो यहाँ समझिए कि कहीं पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, आग लग जाता है कहीं, तो वहाँ देखते हैं कि अगर कोई झोपड़ी या कोई चीज़ है वहाँ पे आग लग गया तो सब आदमी क्या करते हैं, भागते हैं। उस टाइम में जो लोग हैं, मान लीजिए इस घर में, ठीक है, चार कुत्ते या चार आदमी ही रह रहे थे, पाँच रह रहे थे, और यहाँ आग लग गई, तो क्या होगा, सारे जन जो है वो भागेंगे, इन दोनों के बीच में स्पेस बढ़ जाएगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ने पे जो हम लोग का अरेंजमेंट है ना वो टूटता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने पे, और क्या होता है, स्पेस बढ़ता ही जाता है, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे, क्यों, क्योंकि उनके बीच में उनके पास एक एनर्जी आ जाती है, हीट क्या है, हीट एक तरह की एनर्जी ही है, ठीक है। अगर आप एनर्जी के बारे में नहीं जानते हैं तो थोड़ा समझ लीजिए, एनर्जी मतलब काम करने की क्षमता, ठीक है, अगर पास एनर्जी रहता है तो आप काम कर सकते हैं, एनर्जी नहीं रहती है तो काम आप नहीं कर सकते, काम करने की क्षमता, तो हीट के पास एक एनर्जी रहता है, हीट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, थोड़ा सा पढ़े होंगे, जिसके कारण हमको कोई चीज़ गर्म या ठंडा का आभास होता है। तो जब ये हीट एनर्जी हम इसको हीट दिए, यानी आग लगा मतलब क्या हुआ, हीट दिए, हीट एक एनर्जी है, तो इसके पास एक एनर्जी आ जाएगा, ठीक है, फिजिक्स का एक जनरल लॉ है, एनर्जी के बारे में एक जनरल चीज़ है कि एनर्जी अपना रूप बदल सकता है, तो जब हम हीट इसको दिए तो इसमें कुछ एनर्जी आ जाएगी, और एनर्जी के कारण ये क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। वो एनर्जी जो किसी बॉडी में रहता है ड्यू टू मोशन, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, क्या बोल देते हैं, काइनेटिक, इस पर एक हमारे चैप्टर भी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी, एक चैप्टर है फिजिक्स में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे भी, अभी तत्काल समझ लीजिए काइनेटिक एनर्जी है क्या, जहाँ भी काइनेटिक आ गया मतलब मोशन, ठीक है, मूव करने वाला। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो एनर्जी ड्यू टू मोशन, एनर्जी मोशन के कारण। इसका मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल समझता हूँ, पानी है ना, पानी फ्लो करते रहता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन पानी फ्लो नहीं कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है। आप अगर दौड़ रहे हैं तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि आप मोशन में, आप अगर दौड़ नहीं रहे तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या हो जाता है, द टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर कब बढ़ता है, हीट बढ़ाने पर, हीट बढ़ाने पर टेम्परेचर बढ़ता है, द
काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी जो है, जो एनर्जी ड्यू टू मोशन है, क्योंकि मोशन बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस, पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर. सो द स्पेस, द इंटरमोलिकुलर स्पेस, उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो भी क्या होता है, बढ़ता है. सो इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन देम, इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन देम क्या होता है, इंक्रीज है, स्पेस बढ़ जाएगा ना. अब जब एक दूसरे से कोई चीज़ बढ़े भागेगा, मोशन में आ जाएगा, एक चीज़ यहाँ था एक चीज़ यहाँ था, अब ये दोनों मोशन में आ जाएगा तो और दोनों के बीच में स्पेस बढ़ जाएगा, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीजेज. अब फोर्स इंक्रीज, सॉरी स्पेस इंक्रीज कर रहा है, जहाँ स्पेस इंक्रीज कर रहा है, जगह इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये जो जिस खिंचाव के साथ पहले खींच रहा था इसको, वो नहीं खींच पाएगा, मतलब फोर्स क्या होगा, घट जाएगा. इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन दैम इंक्रीजेज एंड और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज. ये चीज़ें होती है जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं. ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या क्या चीज़ होता है, तो इंक्रीज करने पे टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो ये एनर्जी सिंपल, इधर से हम हीट एनर्जी दिए, हीट एनर्जी इसको मूव करने में मदद किया, वो एनर्जी मोशन के कारण जो होता है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. काइनेटिक एनर्जी के कारण स्पेस बढ़ गया तो क्या हो गया, फोर्स कम हो गया. यानी अब अगर हम ये सॉलिड में, अगर इस सॉलिड में हम लोग यहाँ एग्जाम्पल देखें, इस सॉलिड में हम जब टेम्परेचर दिए, यहाँ से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका अरेंजमेंट बिगड़ेगा. ये हीट एनर्जी जो इसके देंगे, हीट एनर्जी से ये जिस फोर्स के साथ रह रहा था, ये फोर्स टूटेगा. ठीक है, ये फोर्स टूट जाएगा और टूटने पर क्या होगा, ये इससे दूर भागेगा, और दूर भागेगा तो हो सकता है कि बीच में एक ऐसा कंडीशन आए जब ये ऐसा पोजीशन आ जाए, तो ये जब अरेंजमेंट टूटेगा, ये इससे दूर भागेगा, मतलब स्पेस बढ़ेगा, तो हो सकता है एक बार ऐसा कंडीशन आ जाए. कभी कभी हो सकता है कि, और अगर हम यहाँ पर ही टेम्परेचर सप्लाई करें तो क्या होगा, टेम्परेचर और सप्लाई करेंगे तो और जो भी फोर्स था ये भी और टूटेगा, जो भी थोड़ा मोटा फोर्स बचा रहेगा और टूटेगा और वो इस स्टेट में आ जाएगा. तो यानी टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड से लिक्विड में जा सकता है, और लिक्विड में भी टेम्परेचर बढ़ाने से वो गैस में जा सकता है. तो ये था कि स्टेट बदल सकता है टेम्परेचर बढ़ाने पर. प्रेशर बढ़ाने पर क्या होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं. ठीक है, तो प्रेशर मतलब क्या, सिंपली समझ सकते हैं फोर्स. ठीक है, प्रेशर भी क्या है, फोर्स एक यूनिट एरिया पे, मतलब एक मीटर स्क्वायर पे कितना फोर्स डाल रहे हैं उसी को प्रेशर कर. तो प्रेशर कोई चीज़ बढ़ा रहे हैं. एग्जांपल के लिए आपके पास क्या है, एक सुई है, सुई में पिस्टन होता है. ठीक है, उस पिस्टन को आप क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं. तो वही जो आप दे रहे हैं उसी को होते हैं प्रेशर. तो आप प्रेशर दे रहे हैं, तो कोई चीज़ प्रेशर देंगे इस पर, जब दबाएंगे तो क्या होगा, इसका जो स्पेस है, जितना स्पेस मान लीजिए गैस था, इतना स्पेस दिया हुआ था, वो स्पेस क्या होगा, अब कम होगा. सॉलिड और लिक्विड चूंकि कंप्रेसिबल नहीं होता है, उसको दबा नहीं सकते, कंप्रेसिबिलिटी पढ़े थे, वो प्रॉपर्टीज ही कहाँ कोई चीज़ दब सकता है. तो सॉलिड और लिक्विड तो दबता ही नहीं है, फोर्स देने का मेन काम क्या है, हमको दबना. तो सॉलिड एंड लिक्विड क्या है, आर इनकम्प्रेसिबल होते हैं, दबते ही नहीं है. तो इसीलिए दे आर नॉट अफेक्टेड, उन पर कोई इफेक्ट नहीं है, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर, बाय चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर के चेंज से नहीं अफेक्टेड. लेकिन जनरली नहीं अफेक्टेड होते हैं. लेकिन जो हमारा गैस है, गैस में हम देखे थे, गैस इज कंप्रेसिबल. गैस क्या है, देखे ना, कंप्रेसिबिलिटी में. ठीक है, गैस कैन बी कंप्रेस, तो गैस को हम दबा सकते हैं. तो गैस अगर इसमें, तो गैस को दबा सकते हैं, दबाने से क्या होगा, स्पेस कम हो जाए. तो मतलब गैस अगर ऐसा था तो गैस में स्पेस कम हो गया, ये दोनों पास आ गया. तो हो सकता है कि गैस को दबाएंगे और प्रेशर अप्लाई करेंगे तो अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो जाए. तो मतलब गैस को लिक्विड में लाया जा सकता है, कब, अगर प्रेशर बढ़ा दिया जाए. तो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर क्या हो सकता है, द स्पेस, जिसको इंटरमोलिकुलर स्पेस बोलते हैं, बिटवीन टू मॉलिक्यूल या बिटवीन टू पार्टिकल्स, स्पेस जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज. टेम्परेचर बढ़ाए तो इसको आग से कंपेयर कीजिए, आग लगेगा, भागेगा, स्पेस बढ़ जाएगा. लेकिन अगर हम लोग उसका उल्टा कर रहे हैं, दबा रहे हैं कोई चीज़ को, एक रूम था उसमें 50 बच्चे थे, 10 बच्चे को और ठूस रहे हैं, तो क्या होगा, स्पेस घटेगा. ठीक है, प्रेशर बढ़ाने पे क्या होता है, स्पेस घटता है. ठीक है, यानी फोर्स ज़्यादा होता होगा, और भी बोल सकते हैं फोर्स इंक्रीजेज. ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है ना, अभी तक आप समझ गए होंगे ना. जहाँ फोर्स ज़्यादा होगा तो खींच के रखेगा, स्पेस कम होगा. फोर्स कम मतलब खींच के नहीं रखा होगा तो स्पेस ज़्यादा, एक दूसरे का उल्टा है. ठीक है, तो प्रेशर बढ़ाने पर स्पेस जो होता है बढ़ता है और फोर्स इंक्रीज करता है. ये यहाँ तक हम लोग बात किए हैं अभी तक,
कि टेम्परेचर हम लोग स्टेट को चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। सॉलिड को हम लोग लिक्विड में चेंज कर सकते हैं और लिक्विड को हम लोग गैस में चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हीट कर देंगे, हीट कर देंगे। इसका उल्टा भी कर सकते हैं ना, इसको क्या कर देंगे, कूल कर देंगे, कूल करेंगे यानी टेम्परेचर छीन लेंगे। अब अगर गैस है, गैस कैसा होगा, कुछ इस तरह का, तीन ही चार पार्टिकल होगा, तो इसमें से अगर टेम्परेचर खींच देंगे तो यानी इसको कूल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर हम छीन रहे हैं। इसका टेम्परेचर जहाँ छीनेंगे तो इसके पास जो एनर्जी है वो क्या होगा, एनर्जी कम। तो जहाँ एनर्जी कम, मान लीजिए आप अगर एक रूम में गए हैं, अपने स्कूल गए हैं और वहाँ नाश्ता करके नहीं गए, थोड़ा सा क्या होता है, आप डल होकर बैठे रहते हैं, लेकिन जिस दिन खा गए हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, किसी को थप्पड़ मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो उस दिन आपके पास ज़्यादा एनर्जी रहता है। वही बात यहाँ भी है, ठीक है, ये दोनों बैठा हुआ आराम से, ठीक है। अब एनर्जी इसका छीन रहे हैं, पहले ये गैस था तो खूब दौड़ रहा था, लेकिन अब एनर्जी छीन रहे, एनर्जी छीन रहे तो क्या होगा, ये दोनों पास पास आराम आराम से बैठेगा, ज़्यादा घूमेगा नहीं, मतलब फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, तो कूल करने पर जो है इधर गैस लिक्विड हो जाएगा, इसको और कूल करेंगे तो लिक्विड सॉलिड भी हो सकता है, कूलिंग उल्टा भी होता है, ठीक है। कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदल जाते हैं, उसके उल्टा भी होता है, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और अभी जस्ट करने वाले हैं कि सॉलिड से लिक्विड में कौन कौन बदल सकता है, लिक्विड से गैस में बदलना, ठीक है, सॉलिड से गैस में बदलना, इस सब के बारे में बात करते हैं। अब देखिए आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, इस चार्ट में सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में बदलना, लिक्विड से गैस में बदलना, इस सब प्रोसेस का एक नाम है। सॉलिड से अगर कोई चीज़ लिक्विड में बदल रहा है, आपके पास मान लीजिए उसको, मैं आपको फिर से रटना नहीं है, आपको पता ही है ये सब, कुछ बर्फ है हमारे हाथ में, ठीक है, बर्फ, बर्फ को क्या ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं सॉलिड के रूप में। अब इसमें हम लोग क्या कर दिए, टेम्परेचर बढ़ा दिए, ठीक है, ये तो समझ गया ना, अभी टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो स्पेस ज़्यादा हो जाएगा तो सॉलिड लिक्विड बदल जाएगा। तो ये क्या होता है, हम लोग के हाथ में रहता है, अगर हम हीट कर देंगे बर्फ को तो क्या होगा, पिघल जाएगा, पिघलना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाँ ठीक बोले आप, ठीक है, मेल्टिंग बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे, मेल्टिंग। व्हाट इज मेल्टिंग, तो आपको ये चीज़ लगाना है, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, ये चेंज हो रहा है ना, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ, और उसके बाद जो चेंज हो रहा है जिसमें वो लिख दीजिए, जैसे यहाँ चेंज हो रहा है किसमें, ये सब में रहेगा, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ, चेंजिंग ऑफ, चेंजिंग ऑफ, यहाँ जैसे चेंज हो रहा है सॉलिड टू लिक्विड, तो इसको ऐसे लिख देंगे, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड मेल्टिंग, क्या बोल देंगे, मेल्टिंग, इसको बोल देंगे मेल्टिंग, ठीक है। कैसे बढ़ देंगे, टेम्परेचर को बढ़ा के, अगर लिक्विड बन रहा है गैस में टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो कोई चीज़ गैस में बनता है मतलब क्या होता है, इवेपोरेशन, नाम तो आप सुने ही होंगे, क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, वेपर बनना, वेपोरेशन, वेपर बनना, ठीक है, वेपर समझते हैं, भाप, ठीक है, खाना बनाने वक्त, चावल बनाते वक्त देखे होंगे भाप निकलते रहता है, वही खाने में से भाप निकलते रहता है, गर्म पानी करते उसमें भाप निकलते रहता है, वही भाप, ठीक है। तो फिर से यही प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ क्या चीज़, इसमें लिक्विड चेंज हो रहा है किसमें, लिक्विड टू गैस, इसको क्या बोल देंगे, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड इवेपोरेशन, इसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। उल्टा अगर गैस कोई चीज लिक्विड में बदल रहा है, कब, जब हम लोग कूल करेंगे, टेम्परेचर को गिराएंगे, कूल करेंगे, तो कूल करेंगे तो आप शायद सुने होंगे वाटर साइकिल में, थोड़ा मोटा ध्यान दिए होंगे सिक्स सेवन में, तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंस मतलब दबाना, कंडेंसेशन कम करना, तो इसको आपको दूसरी प्रोसेस, ये सब कभी कभी पूछ देता है मेल्टिंग इवेपोरेशन, तो बहुत ईजी है ना, आप लोग जानते हैं, ठीक है। अगर गैस चेंज हो रहा है लिक्विड में, तो प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ गैस टू किसमें, लिक्विड इज कॉल्ड, क्या बोल देंगे, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। चौथा, अगर लिक्विड को सॉलिड में बदले, ठीक है, लिक्विड को सॉलिड कैसे, फिर से कूल करके, तो लिक्विड सॉलिड कोई चीज़ है मेरे पास, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड को सॉलिड, पानी को बर्फ में बनना है, क्या करेंगे, फ्रिज में रख देंगे, तो फ्रिज मतलब फ्रीजिंग, फ्रीजिंग। तो ऐसे ही आप लोग याद रख सकते हैं, डरने का कोई जरूरत नहीं। तो प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ये तो रहेगा, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ गैस, सॉरी लिक्विड, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड टू, लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड फ्रीजिंग। देखिए आपको बात बात में ही चार प्रोसेसेस याद हो गए। अब एक प्रोसेस है, कोई कोई चीज़ हमारे पास ऐसे चीज़ें हैं जो डायरेक्ट बदल सकता है, ये सब पानी से हम आपको समझा दिए, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसे हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदल सकते हैं। एग्जांपल आप दीजिए, तो एग्जांपल आपके घर में है कपूर, आप देखे होंगे कपूर, कैंपर बोलते हैं उसको, ठीक है, वो जो कैंपर है आपके घर में, जब आरती वगैरह होता होगा तो आरती होने पर क्या होता है, उसको कपूर को रखा जाता है और कपूर जल के सीधा गैस में चला जाता है। क्या आपको कपूर जलने के बाद थोड़ा भी आपको पानी दिखता है, वहाँ लिक्विड दिखता है, नहीं दिखता है, ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि वो डायरेक्ट सॉलिड से किस में चला गया, गैस में चला गया, तो सॉलिड से गैस में चला गया डायरेक्ट में,
ऐसा इसलिए क्योंकि उसके बीच में लिक्विड स्टेट होता है लेकिन बहुत कम देर के लिए होता है. तो सॉलिड से डायरेक्ट अगर गैस में चला जाता है तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन. और वो चीज़ जो इस प्रोसेस में चला जाता है उसको बोलते हैं सब्लाइम. ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पाँचवें तरफ. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ सॉलिड टू गैस डायरेक्टली. सॉलिड अगर गैस में डायरेक्टली जा रहा है तो उसको क्या बोल देंगे, इज कॉल्ड सब्लिमेशन. सब्लिमेशन. और अगर उल्टा भी होता है, एग्जांपल में इसका एग्जांपल आपको याद रखना जरूरी है. एक क्या लगेंगे, कैम्फर, ठीक है, नेप्थेलिन बॉल, नेप्थेलिन बॉल, ठीक है. और अगर उल्टा भी हो सकता है कुछ, अब फिर से वही वेपर जो जा रहा है, वो जो वेपर उड़ा है अभी, उस वेपर को, किस चीज़ का वेपर, कैम्फर का, कपूर का, ठीक है. नेप्थेलिन बॉल क्या है, नेप्थेलिन बॉल वो जो फिटकरी आप लोग देखते हैं, जिसको कपड़ा में हम लोग रखते हैं अलमीरा में और उसे कीड़ा नहीं लगता है, वही को है नेप्थेलिन बॉल, वाइट वाइट होता है, ठीक है. अब देखिए, अगर गैस सॉलिड में डायरेक्ट बदल रहा है कैसे, तो उसको जो कपूर का जो वेपर उड़ा था, उस वेपर को हम लोग पकड़े और वेपर को पकड़ के आप हाथ से नहीं पकड़ सकते, उसको कोई दूसरे चीज़ में, किसी कंटेनर में उसको कैच कर लिया और कैच करके उसको हम फ्रिज में रख दिए. तो अब क्या होगा, वो गैस डायरेक्ट सॉलिड में बदलेगा, फिर से लिक्विड में आएगा. तो इसको बोलते हैं डीसब्लिमेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ गैस टू सॉलिड. गैस, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड डायरेक्टली, इज कॉल्ड या डायरेक्टली इज कॉल्ड डीसब्लिमेशन. और इसमें भी यही एग्जाम्पल सब होंगे, ठीक है, जो भी हम लोग पढ़े, ठीक है. कुछ ऐसे चीज़ होते हैं और भी है जो थोड़ा ही टेम्परेचर मिलने पे उड़ जाते हैं. मतलब थोड़ा ही टेम्परेचर उड़ जाने का क्या मतलब है, थोड़ा ही टेम्परेचर पाने पे सॉलिड से लिक्विड में बदल जाते हैं, या लिक्विड है तो लिक्विड है गैस में बदल जाते हैं, वैसे चीज़ को बोलते हैं वोलेटाइल सब्सटेंस. यहाँ चेंजिंग ऑफ स्टेट है तो बात कर ही ले रहे हैं. एक कुछ एक सब्सटेंस आपको कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय वोलेटाइल सब्सटेंस. वोलेटाइल मतलब चंचल, जिसको बोलते हैं हम लोग. वोलेटाइल एक ऐसा सब्सटेंस है जो डायरेक्ट थोड़ा भी टेम्परेचर मिला और उड़ जाता है. आपको फील हुआ होगा जब आप आपके शरीर पर थोड़ा सा पेट्रोल या डीजल गिर गया हो, ठीक है, या आप जहाँ पे पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं वहाँ देखते होंगे कि वहाँ से थोड़ा सा भाप निकलते रहता है, ठीक है. पर गर्मी तो है ही नहीं, बस थोड़ा सा सनलाइट रहता है, उसके ही एनर्जी से, उतना ही हीट से. कोई कुछ कुछ ऐसी चीज़ होते हैं जो डायरेक्ट लिक्विड से गैस में बदल जाते हैं, वैसे चीज़ को बोलते हैं वोलेटाइल सब्सटेंस. वोलेटाइल सब्सटेंस क्या है, दो सब्सटेंसेस विच चेंजेज इट्स स्टेट, अपना स्टेट जो बदल देता है, स्टेट विथ ए स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर. थोड़ा भी चेंज हो टेम्परेचर पे तब विथ ए स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर. एग्जाम्पल में आपके पास क्या है, जितने क्रूड ऑयल है यानी पेट्रोल डीजल, वो एग्जाम्पल डीजल. तो ये बात थी चेंज ऑफ स्टेट के बारे में. अब ये चेंज ऑफ स्टेट रियली में कैसे होता है, ठीक है, लेटेंट हीट वगैरह सब का कंसेप्ट है, उस सब के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में. तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, पढ़ते रहिए.